नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दो नाम से जाना जाता है, एक विन वर्ड और एक एमएस वर्ड। तो दोस्तों, अगर आपको कीबोर्ड से ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडो की के साथ आर बटन। जैसे ही आप विंडो की के साथ आर बटन दबाएंगे, आपके सामने रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस रन बॉक्स में आपको टाइप करना है विन वर्ड, WINWORD। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप इस रन बॉक्स में कोई भी प्रोग्राम टाइप करेंगे, उसमें स्पेस नहीं देना है। जैसे विन वर्ड हमने लिखा है, तो विन वर्ड आपको एक साथ लिखना है, स्पेस दे के नहीं लिखना है। फिर आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है इंटर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को माउस से ओपन करना चाहते हैं, तो आपको जाना है यहाँ स्टार्ट बटन पे, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम, फिर यहाँ पे हमें जाना है एसेसरीज पे, फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना है। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लिखा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। इसको हम मेनू बार बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से होम से लेके व्यू तक के सारे ऑप्शन को समझेंगे। अब होम में जैसे ही इनको ग्रुप में बांटा गया, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया और एडिटिंग हो गया, तो इन सारे ऑप्शन को सीखने के लिए मैं एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। तो आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करना इक्वल RAND, ब्रैकेट बनाना है और बंद करना है, और एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे, आपके सामने एक पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे कट करने का, कॉपी करने का, पेस्ट करने का। जैसे हमारे सामने आप देखोगे तीन पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ को कट करके मुझे नीचे की तरफ पेस्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कट बटन पे प्रेस कीजिए और नीचे क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो वो पैराग्राफ वहाँ से कट के नए जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसी चीज़ को शॉर्टकट की से करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके Ctrl+X बटन प्रेस कीजिए, कट हो जाएगा। और नीचे जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, कर्सर को क्लिक करके Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो कट पेस्ट हो गया। अगला ऑप्शन होता है कॉपी और पेस्ट करना। जैसे ये पैराग्राफ यहाँ पे है और हमें यहाँ पे भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे कॉपी पे और जहाँ भी हमें पेस्ट करना हो वहाँ पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट पे दबा दीजिए, तो आपका पैराग्राफ पेस्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम शॉर्टकट की से समझें, तो हम इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C दबाएंगे कॉपी, और जहाँ भी हमें पेस्ट करना है Ctrl+V दबाएंगे, पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट प्रिंटर। अब जैसे मान लीजिए ये एक फॉन्ट को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कुछ डिज़ाइन दे दिया और ये हमने फॉर्मेटिंग लगा दी। जो फॉर्मेटिंग हमने इसमें लगाई है, सेम यही चीज़ मुझे कहीं और भी यूज करना है, तो बार बार हमें सेलेक्ट करके यहाँ लगाने घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमने इसमें फॉर्मेटिंग लगाई है, सेम चीज़ हमें आगे भी लगाना है। तो इस एरिया को आप सेलेक्ट करो और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करो, जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे सेलेक्ट कर दो, तो आपकी जो फॉर्मेटिंग है एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो जाएगी। करना कैसे दोस्तों, एक बार फिर से समझें। इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी चाहिए हमें उसको सेलेक्ट कर देंगे, तो वो सेम चीज़ कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ फ़ॉन्ट की डिज़ाइन चेंज करना। आप फ़ॉन्ट की डिज़ाइन बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। साइज़ बड़ी छोटी करना हो तो यहाँ से आप साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मिनिमम साइज़ 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से बड़े वाले पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, और घटाना चाहते हैं तो छोटे वाले पे क्लिक करके घटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ़ॉन्ट की साइज़ कीबोर्ड से बड़ा करना चाहते हैं, तो फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड में प्रेस करें Ctrl+Shift > Ctrl+Shift > से आप फॉन्ट की साइज़ बड़ी होगी, Ctrl+Shift > से साइज छोटी होगी। अगला ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे मान लीजिए एक हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, अब हमें इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है। पहले की तरह सिंपल टेक्स्ट चाहिए हमें, तो इसको सिलेक्ट करके और यहाँ रबड़ पर क्लिक कर देंगे, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन होता है बोल्ड का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ हमारा बोल्ड हो जाएगा, जितना भी आपने सेलेक्ट कर रखा है। आई प्रेस करेंगे इटैलिक होगा, यू प्रेस करेंगे अंडरलाइन होगा। तो शॉर्टकट की से आप Ctrl+B बटन दबाने से बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I से इटैलिक होगा, Ctrl+U से अंडरलाइन होगा। अगला ऑप्शन होता है स्टिक थ्रू। जैसे मान लीजिए मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, इसमें बीच में लाइन देना, तो इस तरह से आप स्टिक थ्रू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हमने यहाँ लिखा H2O और 12th, इसकी मैं साइज़ यहाँ थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। H2O में जैसे 2 हमें नीचे करना है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सब स्क्रिप्ट अप्लाई कर दीजिए, H2O में 2 नीचे हो जाएगा। 12th में जैसे हमें TH ऊपर करना है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर दीजिए,
TH आपका ऊपर हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो 2 को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, 2 नीचे हो जाएगा। अगर आप TH ऊपर करना चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू। तो इस तरह से हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेंज केस का। जैसे ये पैराग्राफ हमने टाइप कर रखा है, ये एक सेंटेंस केस में है। अगर हमें इस पूरे पैराग्राफ को अपर केस में करना है तो यहाँ पे क्लिक करके अपर केस का ऑप्शन आता है, ये बड़े अक्षरों में हो जाएगा पूरा। अगर आप लोअर केस करेंगे तो सारा स्मॉल लेटर में आएगा। अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। अगर आप इसमें टुगल केस यूज करते हैं तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा, बाकी सारा कैपिटल आएगा। तो ज़्यादातर हम लोग सेंटेंस केस का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके पीछे कलर देना, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसके पीछे कलर आ जाएगा। अगर फ़ॉन्ट के कलर देना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट का कलर हम दे सकते हैं। जो भी चीज़ आपने अप्लाई कर रखा है, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, पहले की तरह करना चाहते हैं, तो रबड़ पे क्लिक कर दीजिए, जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर रखा है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा पैराग्राफ का ग्रुप। अब जैसे इसमें यहाँ बुलेट्स है तो हम बने बनाए कुछ बुलेट्स होते हैं जिनको पैराग्राफ की स्टार्टिंग में हम लगा सकते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं नया बुलेट अपने आप लग जाएगा। इसमें कुछ डिज़ाइन तो यहाँ दिए गए हैं, इनके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट पे जाइए और यहाँ पे क्या आपको लगाना है, सिंबल लगाना है, पिक्चर लगाना है, फॉन्ट लगाना है। मान लीजिए मुझे कोई सिंबल लगाना है, सिंबल में मैं गया और यहाँ से जो डिज़ाइन हमें चाहिए वो डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर टेलीफोन की लगाना चाहता हूँ और यहाँ ओके बटन प्रेस कीजिए, यहाँ ओके बटन प्रेस कीजिए तो वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो रबड़ पे क्लिक कर दीजिए, सारी फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। अगला ऑप्शन होता है यहाँ से आप नंबरिंग में बुलेट दे सकते हैं, जैसा आप चाहिए आपको वो आप अप्लाई कर लो और यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं, क्लियर करना हो क्लियर कर दो। ये मार्जिन के लिए होता है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे, मार्जिन आगे जाएगा, पीछे करना हो यहाँ से आप पीछे कर सकते हो। अगर आप इसको शॉर्टकट की से करना चाहते हो तो मार्जिन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम प्रेस करेंगे मार्जिन आएगा। अगर आप मार्जिन को क्लियर करना चाहते हो तो कंट्रोल क्यू प्रेस करो, मार्जिन क्लियर हो जाएगा। अगला ऑप्शन होता है सॉर्ट करना। ये ए टू जेड और जेड टू ए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, सेलेक्ट कीजिए इसको, यहाँ पे जाना है, असेंडिंग का ऑप्शन आएगा, रेडियो बटन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके बटन प्रेस करना है। इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ डिसेंडिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके और ओके बटन प्रेस कीजिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। आप चाहें तो नाम भी लिख के उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा गगन, नवीन, अमन, सोहन, संदीप, बंटी, सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले जैसे अमन आएगा तो यहाँ पे क्लिक करके असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो ये अमन सबसे ऊपर आ जाएगा और सोहन सबसे नीचे आएगा। अगर आप इसको उल्टा लगाना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डिसेंडिंग के सामने रेडियो बटन है वहाँ पे क्लिक कीजिए और ओके बटन प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे ए वाला नाम सबसे नीचे आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइनमेंट देना। अब जैसे ही हमने पैराग्राफ जो हमारा है इसको सेंटर में करना है, हम सेंटर में कर सकते हैं, राइट साइड में करना है राइट साइड में कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड में करना है लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है जस्टिफाई। जैसे ये देखिए इस पैराग्राफ में जो लेफ्ट साइड की लाइन है वो बिल्कुल इक्वल है, राइट साइड की इक्वल नहीं है। अगर आप राइट साइड का भी बराबर करना चाहते हो तो जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, दोनों तरफ की साइज़ लेफ्ट और राइट की इक्वल आ जाएगी। आप इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ आप सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई बटन प्रेस करने से पैराग्राफ हमारा सेंटर में हो जाएगा। राइट साइड में करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर होती है, और लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं तो कंट्रोल एल दबाएं, और जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे दबाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। यहाँ से हम पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं जैसे हम रखना चाहते हैं, और यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। जितने भी हमने टेक्स्ट टाइप कर रखा है उसके पीछे बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। अगर आप इसमें बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन है, फिर से टॉप आता है, लेफ्ट आता है, राइट आता है, तो चारों तरफ आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर नहीं चाहिए आपको तो यहाँ पे नो बॉर्डर करें सारे बॉर्डर को हटाने के लिए। सब कुछ क्लियर करना है तो रबड़ पे क्लिक कर दीजिए, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अगला ग्रुप आता है स्टाइल ग्रुप। जैसे ये पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ बने बनाए कुछ डिज़ाइन होते हैं जिसको हम यूज करके कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन हमें चाहिए। बाकी अपने डिज़ाइन बना के वहाँ पे हम रख भी सकते हैं, फिर उसको हमें जब यूज करना हो तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जो भी डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन को चयन करें,
ये डिज़ाइन ले लिया मैंने, और इस डिज़ाइन को मैं किसी नाम से यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, सेव सिलेक्शन एज ए न्यू कुक स्टाइल। जिस नाम से सेव करना चाहते हो वो नाम यहाँ पे टाइप करें। जैसे मान लीजिए मैं ABC नाम से रखना चाहता हूँ, मैंने ABC टाइप किया, ओके बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके दबाएंगे यहाँ पे ABC आ जाएगा। और इस डिज़ाइन को अगर आप इस पैराग्राफ में यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, वो डिज़ाइन इस पैराग्राफ में यूज़ हो जाएगा। जब भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं बड़ी आसानी से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यूज हो जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से तो राइट क्लिक करें और रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी पे क्लिक करने से डिज़ाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेंज स्टाइल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल इसमें अप्लाई हो जाएगा। कलर की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कलर दिए गए हैं, इन कलर को रिप्लेस करके इनके जगह पे आपको कोई दूसरे कलर चाहिए तो आपको यहाँ पे जाना है, कलर पे जाइए। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पे ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो जो मेन कलर प्लेट है वो ग्रीन फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया तो वैसे ही कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है फाइंड रिप्लेस का, हमने जो मैटर टाइप कर रखा है इसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड करना है द, जहाँ पे द है वो हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करें, जो जहाँ जहाँ द होगा वहाँ वहाँ आपको सेलेक्ट करके दिखाएगा। शॉर्टकट की होती है फाइंड की Ctrl+F, तो Ctrl+F दबाएंगे तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। फाइंड में अगला ऑप्शन होता है रिप्लेस करना। अब जैसे जहाँ भी हमने द फाइंड आउट किया है उसके जगह पे मुझे कुछ और रिप्लेस करना है, जैसे मान लीजिए हमने फाइंड किया है द, उसके जगह पे मुझे राम रिप्लेस करना है, राम टाइप कीजिए और रिप्लेस ऑल कर दीजिए, जहाँ पे भी द था वहाँ पे राम आ जाएगा। अगर आप इसको शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो Ctrl+F से फाइंड होता है और रिप्लेस करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H दबाने से रिप्लेस हो जाएगा। अगला ऑप्शन इसी ग्रुप में है गो टू का, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो मैटर है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाते हैं और Ctrl+C दबाइए कॉपी, और जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दीजिए। हमने बहुत सारे पेजेस ले लिए, कितने पेज हैं यहाँ पे अभी शो करेगा ये 7 पेज है और 7वें नंबर पे हमें। अगर आपको फर्स्ट नंबर पेज पे जाना है कीबोर्ड से तो Ctrl+Home बटन दबाइए, फर्स्ट नंबर पेज पे आ जाएंगे। अगर आपको लास्ट पेज पे जाना है तो Ctrl+End दबाइए, लास्ट नंबर पेज पे आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें थर्ड नंबर पेज पे जाना है तो इसमें हम गो टू का यूज करेंगे, फाइंड वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ गो टू का ऑप्शन होता है। आप चाहो तो शॉर्टकट की Ctrl+G प्रेस कर लीजिए और पेज नंबर में सामने इंटर द पेज नंबर में हमने थर्ड प्रेस कर दिया और गो टू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, हम थर्ड नंबर पेज पे आ चुके हैं। आप देखें यहाँ पे 3 of 7 दिखाएगा। अगर हम किसी स्पेशल लाइन पे जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 50 नंबर लाइन के सामने जाना है तो Ctrl+G प्रेस कीजिए और यहाँ पे लाइन के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ 50 टाइप कीजिए और यहाँ एंटर की प्रेस कीजिए, आप 50 नंबर लाइन के सामने आ गए जो सेकंड नंबर पेज पे है। तो फाइंड प्लेस और गो टू कवर हो गया हमारा। अगला ऑप्शन होता है इसी में सेलेक्ट करना, तो सेलेक्ट ऑल जो Ctrl+A यूज होता है उस पर हम Ctrl+A दबाएंगे कीबोर्ड से, हमारा पूरा पैराग्राफ या जितने भी हमने चीज़ें टाइप कर रखी हैं Ctrl+A दबाने से सेलेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम कोई शेप वगैरह को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इंसर्ट में यहाँ से कुछ शेप ऐड कराया, जैसे एक शेप ये हो गया और इसमें रंग भर दिया और इसमें हमने ये बनाया, ये रंग भर दिया। अब इस दोनों को सिलेक्ट करना हो तो हम सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको एरो का निशान आएगा, इससे हम बड़ी आसानी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा होम मेनू कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो मेनू आता है वो होता है इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन आता है कवर पेज का। कवर पेज में बने बनाए कुछ आपको कवर पेज की डिज़ाइन मिलेगी, जो भी कवर पेज की डिज़ाइन आपको चाहिए वो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे डिज़ाइन चाहिए ये। अब हमसे पूछ रहा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जो भी हमें डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है उस पर क्लिक करें। हमें जैसे देना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, डॉक्यूमेंट का टाइटल हम दे देते हैं कुछ भी देख दीजिए अपने मन से, पिक द डेट में हम कोई डेट डाल देते हैं, कंपनी नेम में कोई भी कंपनी का नाम डाल दिया, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया विनर स्किलिंग, या ऑथर नेम में कोई नाम टाइप कर दिया, जैसे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ फैजान, और
और यहाँ पे हमने कवर पेज के डिज़ाइन में ऑप्शन भर दिया। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ आप ऑफिस बटन प्रिंट प्रीव्यू चेक करिए, ये प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर कमांड देना हो तो यहाँ से हम इसको प्रिंट आउट दे सकते हैं जितनी भी कॉपी निकाल ली हो। प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए, प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। क्लोज करना तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक पेज आएंगे, जैसे ही आप प्रेस करेंगे नीचे की तरफ शो कराएंगे। पेज ब्रेक करना, जैसे हमने मान लीजिए एक पैराग्राफ टाइप किया, ये तीन पैराग्राफ है और तीनों पैराग्राफ एक ही पेज पे है। अब इसको मुझे अलग अलग पेजेस पे करना है। अब जैसे यहाँ से मैंने कर्सर रखा, इसके ऊपर का एक पेज पे चाहिए और इसके ऊपर का एक पेज पे चाहिए। सामने कर्सर को रखना है और यहाँ ब्रेक पे क्लिक कर देना, पेज वो ब्रेक हो जाएगा, वहाँ से ऊपर ले आएगा और नीचे दो पैराग्राफ बच जाएंगे। अगर आप इसी चीज़ को शॉर्टकट की से नीचे रखना चाहते हैं तो सामने क्लिक करें, कंट्रोल एंटर की प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, पेज आपका ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेबल का। टेबल में आप जाएंगे, यहाँ पे 10 कॉलम और 8 रो मिलेंगे आपको। जो सीधा आता है इसको हम कॉलम कहते हैं और जो इस तरह से जाता है इसको हम रो कहते हैं। जैसे इसमें को मैंने इतना सेलेक्ट किया, ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा रो होता है, इस साइड वाला ये रो होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 10 कॉलम और 8 रो मिलेगा। यहाँ पे 10 कॉलम और 8 रो आपको चाहिए तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो हमें इंसर्ट टेबल में जाना है और यहाँ पे हमें फिल करना है नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए हमें और नंबर ऑफ़ रो किस में चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, आप इसमें जो मैक्सिमम कॉलम होता है वो 63 ले सकते हैं। अगर आप इसमें 65 भरेंगे तो मना कर देगा, यहाँ पे लिख के आएगा कि मस्ट बिन बिटवीन 1 to 63। मान लेते हैं कि मैंने 10 कॉलम और 5 रो ले लिया, तो 10 कॉलम और 5 रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इंटर की या ओके बटन प्रेस कराएंगे इंसर्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिज़ाइन, अपने टेबल में जो डिज़ाइन आपको फिल करना है वो डिज़ाइन आप दे सकते हैं। जितने भी रो और कॉलम लिया है आपने इसमें ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10 कॉलम और 5 रो लिए रखा है, हमें एक कॉलम को डिलीट करना है, तो कॉलम के बीच में क्लिक कीजिए, यहाँ डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, यहाँ इरेजर का ऑप्शन आता है, ऊपर से इस तरह से खींचिए, आपकी वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल का यूज कीजिए, यहाँ पे पेंसिल का साइन आएगा, इसको नीचे की तरफ खींचिए, ड्रॉ हो जाएगा। अगर कोई कलर से ड्रॉ करना है, जैसे रेड कलर से ड्रॉ करना है तो ये रेड कलर से ड्रॉ होगा। लाइन मोटी करके खींचनी है तो आप यहाँ से लाइन को मोटी करके खींच सकते हैं। पूरे की साइज बड़ी छोटी करनी है तो एरो आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ से खींचने से बड़ा होगा। किसी एक लाइन का करना तो आप किसी एक लाइन का भी कर सकते हैं। बीच में से अगर कोई लाइन अगर आपको ऐसे मिटानी हो तो आप ऐसे मिटा सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। लास्ट में जब यहाँ रख के टैब बटन प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ और रो बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम रो और कॉलम को लेके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से कॉलम को ऐड कर सकते हैं या फिर इरेज कर सकते हैं, उसकी साइज को बड़ी छोटी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ड्रॉ टेबल वही था। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया, अब इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। इसको सेलेक्ट करना है आपने और यहाँ टेबल में जाना है, यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे पैराग्राफ के ऑप्शन को चुनें और ओके बटन प्रेस करें। जो भी पैराग्राफ था आपका वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी में और भी ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए अगर मेरा डेटा ऐसे सीरियल नंबर लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एक बार ही टैब दबाना है। फिर हमने जैसे लिखा नेम ऑफ कोर्स, फिर टैब दबाइए, रजिस्ट्रेशन फीस, एक एक बार टैब दबाना है दोस्तों, एग्ज़ाम फी मंथली फी, एंटर की प्रेस किया मैंने, यहाँ पे एक लिखा। नेम ऑफ द कोर्स में जैसे मैंने टाइप किया CCMO, टैब प्रेस किया, एक एक बार ही टैब दबाना है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है वरना बीच में ब्लैंक बॉक्स आ जाएगा। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, अब इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करना है और यहाँ पे आपको टैब पे क्लिक करना है और ओके बटन प्रेस कीजिए, इस तरह से टेबल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बीच में जैसे यहाँ पे आपने टैब एक्स्ट्रा दबा दिया तो बीच में क्या होगा दोस्तों, ब्लैंक बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको सीधा करने के चक्कर में टैब ज़्यादा दबा दिया नीचे, तो जितनी बार मैं टैब दबाऊंगा उतनी ही बार ब्लैंक बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा नीचे। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, दो बार मैंने यहाँ दबाया, एक बार यहाँ दबाया, दो बार यहाँ दबाया, तो टैब नहीं दबाना आपको, एक वर्ड लिखने के बाद एक ही बार टैब दबाना है। तो यहाँ से हमने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में टेबल में मिलेगा, एक्सेल का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से एक्सेल में जा सकते हैं और उसमें जो भी वर्क करेंगे उसको आप इसमें वर्ड में इंपोर्ट करा सकते हैं।
अगला ऑप्शन होता है क्विक टेबल। क्विक टेबल में कुछ डिज़ाइन दी गई होती हैं, अगर आपने टेबल सीख लिया अच्छे से तो इन डिज़ाइन को बना के देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाऊँ, ये बना के दिखाता हूँ कैलेंडर। अब इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं। जैसे कॉलम की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, रो की बात की जाए दिसंबर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 रो है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ 7 कॉलम और 8 रो इंसर्ट कराएं, 7 और 8, और यहाँ पे ओके बटन प्रेस कीजिए। इसकी साइज़ हम यहाँ से छोटी करेंगे और यहाँ पे दिसंबर वाली लाइन को छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे एफ प्रेस करेंगे मंडे। फिर टैब बटन अगर आपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो अगले बॉक्स में चले जाएंगे। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और यहाँ पे हमने प्रेस किया 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से बढ़ते रहिए। इस तरह से हमने फिल करा दिया। अब इसकी साइज यहाँ थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। इरेजर लेके ये लाइन इरेज कर देते हैं, जिसमें हमें दिसंबर टाइप करना है। DECEM एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, और यहाँ टेबल का जो डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है इसमें फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी तरीके से टेबल को डिज़ाइन कर लिया। तो और भी ऑप्शन है इसमें, आप चाहें तो इसको बना के देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक दो बता देता हूँ आपको, मैंने पहला बता दिया। अब जैसे थोड़ा सा टफ सा ये लग रहा है कि इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करें। इसमें आप काउंट करिएगा 3 कॉलम और 32 रो है, तो इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, इंसर्ट टेबल करना है, 3 और 32 यहाँ टाइप करें, एंटर की प्रेस करें, और इरेजर में जाके इसको इरेज करें, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करें, जैसे हमने टाइप किया ट्यूसडे, TUES ट्यूसडे, एंटर की प्रेस करें। सॉरी दोस्तों, एंटर की प्रेस नहीं करना, डाउन एरो दबाएं। एंटर की अगर प्रेस करेंगे तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, सॉरी लंबाई बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आना है आपने एक छोड़ के, फिर यहाँ पे वेडनेसडे लेना है, WEDNE एंटर। फिर वेडनेसडे के बाद यहाँ पे थर्सडे, THUR एंटर। थर्सडे के बाद क्या है हमारा, फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे, SAT सैटरडे, और हमने यहाँ पर टाइप किया संडे। फिर एक मंडे टाइप कर लीजिए। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके कॉपी मार लेता हूँ, पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको सेलेक्ट करें, Ctrl+C कॉपी, और एक लाइन छोड़ के पेस्ट करना है आपने। और इस तरह से आप इधर का भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे एक साइड का मैं बना देता हूँ, 1 लिखा, यहाँ पे जैसे 2 लिखा, 3 4 5 6। यहाँ डबल क्लिक करें, जितना इसको स्पेस चाहिए वैसे ही ले लेगा ये, और यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दें। फिर इसको सेलेक्ट करना है हमें, जो ये प्लस का निशान आ रहा है, और यहाँ पर जाना है डिज़ाइन के अंदर, सेकंड नंबर वाले डिज़ाइन पे क्लिक करें, और फिर होम में आके साइज़ छोटी करनी है हमें। छोटी करने के बाद दोबारा बड़ी करनी है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इसकी साइज़ कितनी है, 9 है, ठीक है लगभग। और इसकी साइज़ बड़ी करनी है, एक वाले जो है ना, इसकी साइज़ बड़ी करनी है, 20 रखनी है। और इस तरह से आप इस लाइन का पूरा कर लीजिएगा, बगल वाले का भी कर लीजिएगा। और यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट में आके आपको टाइप करना है May 2007। इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट में आना है। लेआउट में दोस्तों जब आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, यानी ऊपर वाली लाइन पे सेकंड नंबर पे, और होम से जाके यहाँ से साइज बड़ी करनी है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। तो टेबल में सिर्फ इतना ही, अब और भी डिज़ाइन दिए गए हैं, आप बना के चेक करना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ से पिक्चर का, पिक्चर में जाएं, यहाँ से कोई भी फ़ोटोज़ को उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो को लेने के बाद इंसर्ट करें। जैसे ही आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रिकलर। फ़ोटो को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ब्राइटनेस बढ़ाना हो तो यहाँ पे जाएं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम करना हो नीचे से आप कम कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट यहाँ बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं, नीचे से कम करना हो कम करें। रीकलर का मतलब होता है फ़ोटो को किसी और कलर में देना हो तो आप उसको उस कलर में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज पिक्चर, सेम साइज पे आपको दूसरी फ़ोटो इंसर्ट करनी है, तो चेंज पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से जिस फ़ोटो को चेंज करना चाहते हैं वो फ़ोटो ले लीजिए और इंसर्ट बटन पर प्रेस कर दीजिए, फ़ोटो चेंज हो जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों, ये सारे ऑप्शन फॉर्मेट में आता है। फॉर्मेट का ऑप्शन तभी खुलेगा जब आप फोटो पे क्लिक करके रखेंगे। अगला ऑप्शन आता है रीसेट पिक्चर,
इस फोटो की साइज मैंने छोटी कर रखी है, रीसेट करने से जो इस फोटो की ओरिजिनल साइज होगी वो साइज आ जाएगी। आप इसमें बॉर्डर दे सकते हैं, जो भी बॉर्डर आपको लगाना हो यहाँ से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से जो भी आपको चाहिए ऑप्शन यूज कर लेना आप। पिक्चर को किसी और शेप में देना चाहते हैं तो आप किसी और शेप में भी दे सकते हैं, जैसे मान लो मैं इस शेप में देना चाहता हूँ तो फोटो उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉर्डर में कोई कलर देना चाहते हैं तो बॉर्डर में कलर शो करा देगा, जो भी कलर आप देना चाहते हैं उस पर क्लिक करें वो कलर अप्लाई हो जाएगा। और उसमें आउटलाइन इसकी मोटी पतली करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इस फोटो में अगर कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे मैं थोड़ी साइज छोटी कर दूँ ताकि दिखाई दे आपको, यहाँ पे आता है पिक्चर इफेक्ट, यहाँ पे प्रीसेट होता है, अलग अलग आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं, जो भी आपको देना हो। शैडो देना हो तो इसमें आप शैडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन जैसे नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा, क्लिक करने के साथ आप देखेंगे नीचे रिफ्लेक्शन शो कराएगा। नहीं चाहिए कंट्रोल जेड प्रेस करें, पीछे चले जाएंगे। अगला ऑप्शन आता है इसमें शैडो का, हो गया रिफ्लेक्शन, हो गया ग्लो, तो इसमें आउटसाइड में उस तरह का ग्लो दे सकते हैं और सॉफ्ट का यूज कर सकते हैं, बीबेल का यूज कर सकते हैं, अलग अलग फ्रेम बना सकते हैं आप फोटो का। पोजीशन होता है फोटो को पेज के किस पोजीशन पर रखना है, जैसे अब ये फोटो हमने ले रखा है, इसको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएंगे दोस्तों ये मूव नहीं होगा। मूव कराने के लिए आपको फोटो को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है, टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आता है इसमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जब आप करेंगे तो ही फोटो एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएंगे। और यहाँ से आप डायरेक्ट देना चाहते हो डायरेक्ट दे सकते हैं, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट साइड में रखना है, वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और अलाइन एंड ग्रुप, ये चार ऑप्शन अभी आपको मैं शेप में कवर करा दूंगा। और रोटेट करना हो तो फोटो को आप रोटेट कर सकते हैं, जिधर से आप चाहो उधर से रोटेट कर सकते हो। क्रॉप करना है, फोटो की साइज आप बड़ी छोटी कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं क्रॉप हो जाएगा। साइज बड़ी छोटी करनी है, हाइट और विथ, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, हाइट बड़ी होगी और विथ बड़ी करनी है तो विथ बड़ी होगी। पिक्चर में दोस्तों ये ऑप्शन था। अगला ऑप्शन आता है क्लिप आर्ट। देखें दोस्तों पिक्चर में वो फोटोज़ आती हैं जो हमने सिस्टम के अंदर रखे हुए हैं, बाकी क्लिप आर्ट में कुछ ऐसी फोटोज़ होती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको प्रोवाइड कराता है, जैसे कुछ कार्टून टाइप में फोटोज़ आपको मिलेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च फॉर का बॉक्स आएगा, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ गो बटन प्रेस करें सारी फोटोज़ आ जाएंगी। इसमें जिस फोटो को आपको यूज करना है उस फोटो पर क्लिक करें, वो फोटो स्क्रीन पर आ जाएगा और उसको जहाँ भी किसी पैम्पलेट वगैरह में यूज करना हो तो कर सकते हैं। और क्लिप आर्ट वाली जो फोटोज़ होती है इसमें भी वही ऑप्शन यूज करना है जो आपने पिक्चर में कर रखे हैं। आप चाहो तो अपने मन से भी सर्च कर सकते हो, जैसे सर्च फॉर्म में मैंने कंप्यूटर टाइप किया और एंटर की प्रेस किया, इस तरह से हमने कंप्यूटर की फ़ोटो ले ली। अगर आप चाहो तो इसमें जैसे लोगों की फ़ोटो चाहिए तो पीपल टाइप करके एंटर की प्रेस कर दो, लोगों की फ़ोटो आएगी। अब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सर्च करने पर आएंगी, उसको देखने के लिए आपको ऑर्गेनाइज क्लिप पर जाना है। और ऑर्गेनाइज क्लिप पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑफिस कलेक्शन, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये चीज़ आप वहाँ टाइप करो और फिर एंटर की प्रेस करो या गो बटन पे प्रेस करो, वो फोटोज़ आपको मिल जाएंगी। और इन फोटो को आप किसी भी पैम्पलेट वगैरह में यूज कर सकते हैं या कोई कार्ड वगैरह बना रहे हो तो उसमें इनका यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है शेप का। शेप में बने बनाए शेप होते हैं दोस्तों, कोई भी शेप ले लो, जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब इस रेक्टेंगल में हमें कोई फ़ोटो लगानी हो या इसके अंदर लिखनी हो तो दोस्तों हमें इंसर्ट से फ़ोटो नहीं लेना, इंसर्ट से अगर आप फ़ोटो लेंगे तो वो फ़ोटो बाहर आएंगी, उसके अंदर नहीं आएगी। देखो आप, अगर हमें इस शेप के अंदर फ़ोटो देनी है तो शेप को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है, यानी शेप में कोई भी काम करना हो, चाहे आपको रंग भरना हो, चाहे तस्वीर लगानी हो, चाहे ग्रेडियंट कलर देना हो, चाहे इसके अंदर लिखना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको फॉर्मेट के ऑप्शन पर आना है। यहाँ से हम इसमें सिंगल कलर भर सकते हैं और यहाँ से हम अलग से कोई कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं, मोर कलर से भी कलर दे सकते हैं। कोई फ़ोटो लगानी है तो पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाना है, बहुत सारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी, जिन फ़ोटो को आपको लेना है वो फ़ोटो पर क्लिक करें और इंसर्ट बटन प्रेस करें, वो फ़ोटो इसके अंदर आ जाएगी। और अगर आपको इसमें ग्रेडियंट कलर देना है, ग्रेडियंट कलर का मतलब होता है कि दो तीन कलर को मिक्स, जैसे मान लो ग्रेडियंट कलर पर जाओगे आप, यहाँ मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है, यहाँ मैंने लिया दो कलर की मिक्सिंग, फर्स्ट कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे येलो, सेकंड कलर ले लेता हूँ मान लो मैं रेड ले लेता हूँ। अब वो इस तरह से डिज़ाइन दिखा रहा है आपको कि येलो ऊपर चाहिए या फिर रेड ऊपर चाहिए, जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट करो और यहाँ पे इनका डायरेक्शन होता है किधर से आप इसको देना चाहते हो, ओरिजेंटल रखना है, वर्टिकल रखना है, वो आप रख सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसमें ओरिजेंटल अप्लाई कर देता हूँ और रेड ऊपर रखता हूँ, सिंपल में यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ओके बटन प्रेस करें तो इस तरह से रेड वाला ऊपर येलो वाला नीचे दिखाई देगा। कोई फोटो लगानी हो तो पिक्चर का ऑप्शन बता दिया मैंने, ग्रेडियंट कलर बता दिया, टेक्सचर लगाना हो, बने बनाए कुछ टेक्सचर होते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हैं।
पैटर्न बना के भी कर लगा सकते हैं। पैटर्न पे जाके यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है, दो कलर का मिक्सिंग लेना है। यहाँ पे दिखा रहा है फोरग्राउंड ये ऊपर का कलर होता है, बैकग्राउंड ये नीचे कलर होता है। जो भी कलर आप यहाँ से चयन करेंगे उसके बाद आपको ओके बटन प्रेस करना है, उस तरह से यहाँ दिखाई देगा। अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो जो भी शेप आपने बनाया है इस पर राइट क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। आउटलाइन हो गया वैसे ही जैसे पिक्चर में था, आप आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन की लाइन में कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं, और यहाँ पे पैटर्न बना के भी आउटलाइन में देना चाहते हैं तो पैटर्न बना के दे सकते हैं। चेंज शेप, शेप को अगर आप चेंज करना चाहो तो शेप को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। शैडो हो तो शैडो दे सकते हैं, शैडो को ऊपर नीचे हो जाएगा। 3D में देना चाहते हो तो आप 3D में दे सकते हैं, कोई भी शेप लेके जो 3D में कलर आ रहा है उसको। अगर आप शेप को मूव करना हो तो यहाँ पे आप देखोगे चार एरो आएगा, इसको पकड़ के किधर भी खींचिए उस तरह से मूव हो जाएगा। और यहाँ पे आप 3D का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना चाहते हो। यहाँ से 3D की साइज़ बड़ी छोटी होगी, डायरेक्शन कहाँ से आप देना चाहते हैं, लाइट कैसा रखना चाहते हैं और सरफेस कैसा रखना चाहते हैं। और यहाँ से आप इसको मूव करा सकते हैं, पोजीशन वही चीज़ है जो मैंने पिक्चर में आपको बताई है। पिक्चर में मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ा था, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, एलिगन और ग्रुप। अब जैसे मान लीजिए मैंने दो तीन शेप ले लिए, जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसमें कोई रंग भर देता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ और इसमें ये रंग भर दिया, और एक एरो ले लेता हूँ यहाँ से। ये हमने तीन चीज़ ले ली। जो पीछे की शेप है उसको मुझे बिल्कुल ऊपर लेके आना है, तो इसको सेलेक्ट करें और फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएं। ब्रिंग टू फ्रंट में आपको देखोगे दो ऑप्शन मिलेगा, एक ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर आप फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो एक ऊपर आएगा, अगर ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो बिल्कुल ही ऊपर आ जाएगा। उसी तरह अगर आप इसको पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड टू बैक करें, बिल्कुल पीछे चला जाएगा। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक पीछे जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, इसमें शेप हो गया स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में बने बनाए कुछ डिज़ाइन होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे सर्कल हो गया। यहाँ पे बने बने ऑल में जाएंगे तो सारे शेप आएंगे, एरो में करेंगे तो एरो वाला ऑप्शन आएगा, सर्कल में करेंगे तो सर्कल वाला ऑप्शन आएगा। अब जैसे मुझे स्कूल वगैरह में, हमने साइंस वगैरह में पढ़ा होगा, ट्री जो होता है बेसिक साइकिल होती है, उसका अगर यूज करना हो, जैसे हमने ये ले लिया और ओके बटन प्रेस किया, इस तरह से कुछ बॉक्स आ गए। इनमें अगर कलर देना चाहते हैं तो डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे हम चाहें तो इनका लेआउट चेंज कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। और कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बटन की डिज़ाइन चेंज करनी है तो वो चीज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डिज़ाइन ले लिया, अब टेक्स्ट में मैं टाइप करता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने टाइप किया ग्रास, इसके बाद डियर, तीन ही हो गए, उसके बाद लायन, फिर हमने टाइप किया बर्ड्स, फिर हमने टाइप किया इंसेक्ट, और इस तरह से हमने फिल करा दिया। और इसमें शेप को और ऐड करना हो या डिलीट करना हो वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट, आफ्टर में जैसे इंसेक्ट के बगल में चाहिए तो ऊपर चाहिए तो ऊपर आ जाएगा, नीचे से करना हो तो नीचे आ जाएगा। तो स्मार्ट आर्ट में बने बनाए ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम फिल करके अपना डिज़ाइन तैयार करते हैं। और भी ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये ले लिया हमने, इसमें से ये डिज़ाइन चयन कर लिया, ओके बटन प्रेस किया। अब जैसे कंप्यूटर में हमारे डिवाइसेस होते हैं, डिवाइस में जैसे मैंने इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट का ऑप्शन होता है माउस और कीबोर्ड, माउस टाइप कर दिया और कीबोर्ड टाइप कर दिया यहाँ पे कीबोर्ड। अब अगला आ गया आपका आउटपुट, आउटपुट हमने टाइप किया स्पीकर। एक और हमें ऑप्शन देना है आउटपुट मॉनिटर का, तो अब तो शेप नहीं है हमारे पास, शेप को ऐड करना, तो यहाँ पे ऐड शेप पे जाएं, ऐड शेप आफ्टर करें या बिफोर करें। आफ्टर करेंगे तो स्पीकर के बगल में आएगा, बिफोर करेंगे तो स्पीकर वाले शेप के पहले आएगा। हमने स्पीकर पहले, स्पीकर के पहले देना, तो हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मॉनिटर, मॉनिटर को टाइप किया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने आपको बताया, बाद में का और पहले। अगर आप इसके ऊपर देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मॉनिटर के ऊपर एक देना चाहते हैं तो अबव करेंगे। अगर आप इसके नीचे एक शेप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से बिलो वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो नीचे की तरफ ऐड होगा। इसमें कुछ लेआउट इसका भी आप चेंज कर सकते हैं अपने मन से, जो भी आप देना चाहते हो। तो आप बड़ी आसानी से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से अपने मन से कोई भी कलर दे सकते हैं, यहाँ से हम बटन की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट में यही होता है दोस्तों। अगला ऑप्शन आता है हमारा चार्ट का, चार्ट में हम जाएंगे, बने बनाए कुछ चार्ट की डिज़ाइन होती है। जैसे यहाँ पे चार्ट आप देखेंगे, कॉलम की चार्ट चाहिए तो कॉलम की चार्ट आप बना सकते हैं, लाइन की चार्ट चाहिए तो लाइन वाइज आप बना सकते हैं, अलग अलग जगहों पर इनका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक कॉलम की चार्ट बना के दिखाता हूँ, मैंने जैसे कॉलम का चार्ट लिया
और यहाँ से मैंने सेकंड नंबर के डिज़ाइन पे क्लिक किया और ओके बटन को प्रेस किया। जैसे ही मैं इस पर प्रेस किया, ये हमें एक्सेल में ले आएगा। आप देखोगे हाफ स्क्रीन में एक्सेल आ गया और हाफ स्क्रीन में वर्ड आ गया। तो जो भी हम चार्ट बनाएंगे उसका इनपुट हम यहाँ पे टाइप करेंगे और चार्ट जो हमारा बनेगा वो वर्ड में आउटपुट की तरह से जनरेट होगा। अब देखें आप, जैसे यहाँ पे कैटेगरी चार है तो यहाँ पे भी आपको कैटेगरी चार शो हो रहा है। सीरीज तीन है तो सीरीज यहाँ पे भी तीन शो हो रहा है। कैटेगरी के जगह पे मैंने कुछ बच्चों का नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया राम, श्याम, नवीन, जीवन, और ऐड करना चाहते हो तो दोस्तों आप और ऐड कर सकते हो। सीरीज पे मैंने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया मैथ, एसएसटी, साइंस, और एक हमने और सब्जेक्ट दे दिया कंप्यूटर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैथ जो है वो ब्लू कलर का शो हो रहा है, एसएसटी जो है वो रेड कलर से हो रहा है, ग्रीन जो है वो साइंस है, कंप्यूटर जो है पर्पल है। तो जिस स्टूडेंट को आप जिस तरह से नंबर इसमें टाइप करेंगे उस तरफ से इसका चार्ट बनकर तैयार होगा। जैसे राम को मान लीजिए मैथ है, मैंने 10 नंबर दिया तो मैथ जो है ब्लू कलर से है, राम पे आप देखो ये 10 नंबर का ब्लू शो करा दिया। जिसमें भी आप 10 10 जैसे मैंने दे दिया तो 40 नंबर हमने दिया तो 40 नंबर की चार्ट बन गई 10 10 करके। इसी तरह बाकियों का आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हैं। और जब डिटेल को फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए, चार्ट आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब इस चार्ट में कुछ हम चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बने बनाए मैंने बताया स्टाइल होते हैं, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। और लेआउट का मतलब होता है इसको और अच्छे तरीके से दिखाना हो। सेकंड नंबर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस डंडियों पे दिखाएगा किसको कितना नंबर दिया है। अगर आप यहीं से पाँचवें नंबर पे क्लिक करते हो तो ये आपको बताएगा कि जो डिटेल एक्सेल वाला था वो नीचे ऐड होकर आ जाएगा, ताकि आपको देखने के लिए वहाँ ना जाना पड़े, यहीं से आप देख सकते हो। अब बात आती है दोस्तों इसमें एडिट करने की। जैसे आप देखें यहाँ पे श्याम को मैंने कंप्यूटर में कोई नंबर नहीं दिया तो यहाँ कोई पर्पल शो नहीं हो रहा। बाद में मुझे पता चलता है कि भाई श्याम को 5 नंबर देना था। तो अब इसमें एडिट करना हो तो यहाँ पे आप देखेंगे एडिट डेटा का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करें और श्याम के सामने यहाँ पे कंप्यूटर में 5 नंबर क्लिक करके या टाइप करके एंटर की प्रेस करें और इसको बड़ा कर दें तो वो देखिए आप 5 नंबर इसमें ऐड हो गए। तो इस तरह से हम चार्ट यूज कर सकते हैं, बाकी अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम होता है सिस्टम के अंदर से फाइलों को ओपन करना, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में सेव हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ कोई फाइल ओपन करना है, अगर आप एमएस वर्ड का ही फाइल ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ होता है शॉर्टकट की, जो भी हमारी सेव की गई फाइलें होती हैं उसको ओपन करने का। तो इस तरह से आप देखें सारी वर्ड की फाइलें आ रही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे एक्सेल की फाइल ओपन करनी हो या पावर पॉइंट की फाइल ओपन करनी हो और एमएस वर्ड के अंदर से ही ओपन करनी हो तो हम जाएंगे हाइपरलिंक पे। शॉर्टकट की होती है दोस्तों हाइपरलिंक का कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल के दबाएं और यहाँ पे आप देखिए हर एक तरह की फाइल आ गई। जैसे यहाँ पे बुक वन आ गया, डिटेल आ गया, जैसे मान लीजिए कोई डिटेल बनाई गई है इसको ओपन करना हो और ये एक्सेल की फाइल है, इसमें ग्रीन सिंबल दिखा रहा है तो एक्सेल की फाइल है और उस पर एक्स लिखा हुआ है। एक्सटेंशन से भी आप पहचान सकते हैं, डॉट एक्सएलएस होता है एक्सेल की एक्सटेंशन और डीओसीएक्स होता है वर्ड की एक्सटेंशन और पावर पॉइंट की होती है डॉट पीपीटीएक्स एक्सटेंशन और एमएस एक्सेस का होता है डॉट एसीसीडीबी। तो आपने एक्सेल की जैसे फाइल ओपन करनी हो या पावर पॉइंट में एक फाइल है फैजान के नाम से, इसको ओपन करनी है तो इसको क्लिक करके और यहाँ ओके बटन प्रेस करें, ये लिंक आ जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे फिंगर का साइन आएगा, इस पर क्लिक करें और यस बटन प्रेस करें। नीचे आप देखेंगे टास्क बार में फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से, जो भी फाइल बनाई आपने डायरेक्ट आप यहीं से खोल सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है बुकमार्क। बुकमार्क का काम होता है दोस्तों, जैसे हम किताब पढ़ते हैं जहाँ तक भी हम पढ़ाई कर लेते हैं वहाँ पे हम पेन से मार्क लगा देते हैं, पेज को फोल्ड कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे मैंने यहाँ पढ़ाई कर ली, बुकमार्क में इसका नाम दे दिया ऐड ए और ऐड कर दिया। सेकेंड डे जैसे मैंने कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट किया, बुकमार्क में इसका नाम दिया डी और ऐड कर दिया। अब मुझे पता करना है कि भाई मैंने बी में क्या दिया था, तो बुकमार्क में जाना है और यहाँ बी को लेके गो टू प्रेस कर दीजिए, बी वाला जहाँ भी होगा वहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखा देगा। ए पे जाना है तो ए को सेलेक्ट करके गो टू प्रेस कर दीजिए, ए वाला जहाँ भी होगा आपको सेलेक्ट करके दिखा देगा। इस तरह से हम काम करते हैं बुकमार्क का। अगला ऑप्शन होता है क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों क्रॉस रेफरेंस जो है वो बुकमार्क से मिलके चलता है। जैसे मैंने दो पेज ब्रेक कर लिया, कंट्रोल एंटर की, कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक होता है, मैंने आपको यहाँ बताया होगा। अब जैसे मैं ये पहला पेज है यहाँ मैंने खाली छोड़ दिया, सेकंड नंबर पेज पे आना है और यहाँ इक्वल टू रैंड करके मैंने एक पैराग्राफ दे दिया। थर्ड नंबर पेज पे आके इक्वल टू लोअरम से भी पैराग्राफ आता है दोस्तों, एल ओ आर ई एम, एंटर की प्रेस कर दिया, एक पैराग्राफ यहाँ दे दिया। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इसको लुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बुकमार्क में इसका नाम दे देता हूँ ए और ऐड कर देता हूँ।
यहाँ से मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया, बुकमार्क में इसका नाम दे दिया बी और ऐड कर दिया। अब यहाँ से हम जाएंगे फर्स्ट पेज पे, क्रॉस रेफरेंस। अब रेफरेंस टाइप हमारा होगा बुकमार्क। बुकमार्क लेंगे, ए को ऐड कराएंगे, बी को ऐड कराएंगे और इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये लिखा है लुक, हमें लुक के पास पहुँचना है, ये जो इस पैराग्राफ में या इस पेज पे कहीं पे भी होगा, हमें नहीं पता कहाँ है। कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करें, उसे के सामने आपको कर्सर ले आके खड़ा कर देगा। अगर कंट्रोल होम दबाते हैं आप फर्स्ट पेज पे डायरेक्ट चले जाएंगे बिना माउस का। अगर आपको इस पे जाना है तो कंट्रोल के साथ इस पे दबाएं, ये कहीं पे भी होगा उसके सामने कर्सर ला के दिखा देगा। दोस्तों इस तरह से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन होता है हमारा हेडर का। हेडर का काम होता है पेज के टॉप में हेडिंग लगाना। अब जैसे मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर दिया, अब इसके टॉप में हेडिंग देना है, तो यहाँ हेडर पे जाना है हमें। हेडिंग देने के बहुत सारे डिज़ाइन आएगी, जो डिज़ाइन आपको चाहिए उस डिज़ाइन पे क्लिक करिए। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये डिज़ाइन उठा लेता हूँ। अब आ रहा है यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जो भी टाइटल आपको देना है वो टाइटल दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ टाइप कर दिया बेसिक कंप्यूटर कोर्स, और ईयर देना हो तो यहाँ से हम टूडे पे क्लिक करते हैं, ईयर शो हो जाएगा। अब इसको क्लोज कर दीजिए। बाकी इसकी साइज बड़ी छोटी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं होम के अंदर जाके। अब नीचे जितने भी पेजेस लेंगे सब पे देखेंगे टॉप पे ऑटोमेटिक हमारी हेडर बन के आएगा। ये होता है हेडर। हेडर जो होता है पेज के टॉप में शो कराता है। अगला ऑप्शन होता है फुटर। फुटर जो होता है वो पेज के बॉटम में शो कराता है। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन आप यहाँ से ले लो फुटर के लिए। जैसे मान लो मैंने ये डिज़ाइन उठा लिया। टाइप द कंपनी नेम, कंपनी का नाम टाइप करना है, जो भी कंपनी का नाम आप टाइप करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड कंपनी का नाम हो गया। कंपनी का एड्रेस टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैंने टाइप कर दिया 44 09 साकेत नई दिल्ली, और क्लोज करना है यहाँ से क्लोज करें। इस तरह से आप देखेंगे फुटर पे वो पेज शो कराएगा, और नीचे जितने भी पेजेस लेंगे सब पे ऑटोमेटिक सेम चीज़ें आएंगी। अगला ऑप्शन होता है पेज का नंबर। पेज पे नंबर देना चाहते हैं तो नंबर आप दे सकते हैं, टॉप में, ऊपर में, लेफ्ट में देना है, सेंटर में देना है, राइट साइड में देना है, जैसे आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। बॉटम में पेज का नंबर देना चाहते हैं तो बॉटम में दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे हेडर में लगा रखा है, इसको हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से रिमूव हेडर कर देंगे तो बड़ी आसानी से हट जाएगा। फुटर हटाना चाहते हैं तो रिमूव फुटर कर देंगे, तो वो पेज जो हमने सेलेक्ट कर रखा था जिसमें हेडर फुटर अप्लाई कर रखा था उसको हम हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में बने बनाए शेप होते हैं जिसको हम यूज करके इसमें टाइप कर सकते हैं, और अपना कवर पेज अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये डिज़ाइन उठाया और इसमें मैं कोई सा कलर दे देता हूँ, जैसे ये कलर दे दिया, जो भी हमें टेक्स्ट टाइप करना हम टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कवर पेज मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जैसे ईयर हो गया, डॉक्यूमेंट का टाइटल हो गया, डेट हो गया, इसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक होती है जिसमें हमें टाइप करने के लिए कहा जाता है। अगर ऐसा डिज़ाइन आप अपने में लगाना चाहते हैं तो क्विक पार्ट्स में जाएं, डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी में जाएं, और यहाँ कंपनी का एड्रेस देना हो या ईमेल आईडी देना, जिसके अभी आप फाइल बनाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे बन जाएगा। उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका कवर पेज बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट में दोस्तों टोटल हमारे 30 प्रकार के डिज़ाइन होती है वर्ड आर्ट में। जिस डिज़ाइन में आप नाम लिखना चाहते हैं वो डिज़ाइन को आप यहाँ से उठाएं और इसमें जो भी टाइप करना है, जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया सोहन और यहाँ पे ओके बटन प्रेस कीजिए, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको एक जगह से दूसरी जगह दोस्तों मूव नहीं कर सकते। मैंने बताया था कि पिक्चर में बताया था मैंने आपको कि किसी भी शेप को अगर मूव करना हो या पिक्चर को मूव करना हो या वर्ड आर्ट की चीज़ें मूव करनी हो तो फॉर्मेट से जाके यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे फिर ये फ्री हो जाएगा, आप इसको कहीं पे भी मूव करा सकते हैं इस तरह से। और इसमें एडिट वगैरह करना हो, सेम डिज़ाइन में दूसरे नाम को देना हो तो फॉर्मेट के अंदर जाना है, एडिट टेक्स्ट आता है। अब यहाँ सोहन के जगह जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया दीपक, यहाँ ओके बटन प्रेस कीजिए। आप चाहो तो इसके डिज़ाइन वगैरह बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन साइज वगैरह आप सेट कर सकते हैं सेलेक्ट करके, नहीं तो आप ओके बटन प्रेस कर दें और इस तरह से वो नाम आ जाएगा। अब इसमें स्पेस कैसे रखना है, लूज रखना है, वेरी लूज रखना है, वो आप यूज कर लेना अपने हिसाब से। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी आपको देना हो तो वो आप दे सकते हैं। दूसरा अगर डिज़ाइन देना चाहते हो तो आप दूसरा डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर कुछ भरना चाहते हैं, पिक्चर क्लिप आर्ट, पिक्चर हो गया, ग्रेडियंट कलर हो गया, जो मैंने वहाँ पे आपको सिखाया था सेम चीज़ें हैं। शेप को चेंज करना हो तो आप शेप को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन आता है। शैडो अगर देना चाहते हैं तो शैडो दे सकते हैं, यहाँ पे हम शैडो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। 3D वही 3D है जो मैंने आपको शेप में सिखाया था, वो 3D हम दे सकते हैं। इसका कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं जैसा हम चेंज करना हो। बाकी सारी चीज़ें सेम है, मेन जो होगा इसमें शेप चेंज का काम होगा जिसका यूज करके मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ जिसमें आपका वर्ड आर्ट का ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इंसर्ट में गया या वर्ड आर्ट में गया, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ मैं टाइप करता हूँ
ओके बटन, साइज यहाँ मैं रखता हूँ 18 और बोल्ड कर देता हूँ, और फॉन्ट हम रखते हैं एरियल, एरियल 18 बोल्ड। ओके बटन प्रेस करना चाहो तो आप यहाँ पे, सॉरी इंस्टीट्यूट प्रेस, तो आप यहाँ कुछ भी लिख लेना, ओके बटन प्रेस करना। इसमें कलर भर लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ ब्लू कलर भर दिया, आउटलाइन और इनलाइन दोनों। मूव करने के लिए यहाँ से मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया, ये मूव हो चुका है। अब इसको मैं कंट्रोल डी बटन से डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ एडिट कर देता हूँ सेम जगह पर। मैंने यहाँ टाइप किया जय जवान जय किसान के IWS। ओके बटन प्रेस करना है दोस्तों, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और नीचे रख लेता हूँ मैं। यहाँ पे आता है चेंज शेप, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं शेप को, जैसे हमें करना हो। यहाँ से ये ले लेता हूँ चेंज शेप, यहाँ से एक एरो का निशान आएगा, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। चेंज शेप में मैंने इसमें ये वाला अप्लाई किया है, और इसमें नीचे वाले में मैंने ये वाला अप्लाई किया है थर्ड नंबर, और यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसको हम सेट करेंगे अच्छे से। साइज बड़ी छोटी आ रही है दोस्तों, तो ये जो इसमें कम वर्ड है उसमें ज़्यादा है, लेकिन और छोटा हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप एक येल्लो निशान आएगा, इसको नीचे की तरफ खींचना है दोस्तों, और इसको नीचे की तरफ खींचिए ताकि वो साइज कवर करें। बाकी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। और इंसर्ट में हम एक शेप बनाएंगे, जो भी शेप आप सर्कल बनाना है, आप अपने मन से कोई और शेप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसको यहाँ सेट करो, इसकी आउटलाइन में हम इनलाइन में पहले तो हम अंदर की तरफ एक कोई फ़ोटो दे देते हैं। आप चाहो तो लाल बहादुर शास्त्री जी की फ़ोटो भर दीजिएगा, मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी फ़ोटो से काम चला लेता हूँ। ये हो गया, आउटलाइन में रेड दे देता हूँ यहाँ से। आप चाहो तो अपने मन से कोई भी आउटलाइन दो, अपने डिज़ाइन खुद बनाओ आप। इसमें ये हो गया, एक हमने सर्कल और बनाया, रेड दिया आउटलाइन, लाइन की मोटी। अब इसको उठा के मैंने इसके ऊपर रखा, जैसे ही मैं रखूँगा दोस्तों ये देखो आप छिप जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको रखना है बिहाइंड टेक्स्ट, और इसमें जो भी रंग भरना हो आप भर सकते हैं, और इसमें और भी डिज़ाइन बनाना हो आप बना सकते हैं अपने मन से। जैसे स्टार लगाना हो तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, एक स्टार बनाया, यहाँ रखा, ये हो गया। कंट्रोल डी बटन से ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसको यहाँ पे हमने सेट कर दिया। इस तरह से हमने एक डिज़ाइन तैयार कर दी वर्ड आर्ट का यूज करके। आप भी चाहो तो अपना डिज़ाइन बना सकते हो दोस्तों। इसको सेव करता हूँ मैं, इसमें मैं आपको वाटरमार्क लगाना बताऊँगा पेज लेआउट में। इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस एस, और मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ दोस्तों, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ लोगो नाम से। इसका काम आएगा दोस्तों आगे, लोगो न्यू। चलिए दोस्तों, वर्ड आर्ट के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा इसमें ड्रॉप कैप। क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ मैटर टाइप किया। ड्रॉप कैप का काम होता है, जैसे आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो तीन लाइन में शो कराता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो तीन लाइन में अप्लाई होता है, बाकी अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्रॉप कैप पर जाना है, यहाँ पर हम लाइन के अंदर डालना हो, लाइन के अंदर और ये बाहर, जहाँ भी हमें यूज़ करना कर सकते हैं। बाकी हम इसकी साइज़ और बढ़ा कर सकते हैं, चार लाइन पाँच लाइन जैसे आपको चाहिए। डेट एंड टाइम, अगर हमें इसमें समय देना हो कि हमने कोई लेटर टाइप किया है कब का समय देना हो, समय लेके जो यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करें और ओके बटन प्रेस करें, वो फॉर्मेट नीचे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का यूज करके आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, और उसमें जो भी काम करेंगे आप उसको वर्ड में इम्पोर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल बता दूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ पावर पॉइंट में, और यहाँ से मैं पावर पॉइंट की स्लाइड लेता हूँ, ओके बटन प्रेस करता हूँ, ये पावर पॉइंट में मैं आ चुका हूँ। अब ये पावर पॉइंट की स्लाइड आ गई, यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइन हो गया, कोई भी डिज़ाइन आप लीजिए, जैसे ये ले लिया, जो भी टाइप करना हो, जैसे मान लीजिए माई नेम फैजान, कुछ भी टाइप करना है। टाइप करने के बाद इसको क्लोज करना है, ये आप देखेंगे जो चीज़ हमने पावर पॉइंट बनाई थी सेम चीज़ आपका वर्ड में इम्पोर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आप पावर पॉइंट में जा सकते हो, एक्सेल में जा सकते हो। अगला ऑप्शन होता है दोस्तों इसमें सिंबल। सिंबल में हम जाके कोई भी सिंबल ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह बना रहे हैं, जैसे राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट किया। अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें कोई कॉन्टेक्ट नंबर टाइप करता हूँ, आगे मुझे टेलीफोन का सिंबल चाहिए, तो इसको कर्सर को यहाँ रखना है हमें, जहाँ पे भी हमें सिंबल चाहिए कर्सर हमारा वहीं होना चाहिए। सिंबल में जाइए, जैसे टेलीफोन का ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं।
तो दोस्तों हमने दो मेन्यू को कवर किया है, इंसर्ट और होम हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन्यू आता है वो होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में दोस्तों हम पेज से रिलेटेड जो भी काम करना हो, चाहे वो पेज की सेटिंग वगैरह करना हो या पैराग्राफ की सेटिंग करना हो या बॉर्डर वगैरह लगाना हो, वो सारा काम हम पेज लेआउट में सीखेंगे। अब जैसे मैंने एक मैटर टाइप किया, कंट्रोल प्लस ए किया और कॉपी करके कंट्रोल सी और पेस्ट कर दिया हमने। ये थोड़ा मैटर बढ़ा दिया यहाँ पे, दो पेज पे ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास कुछ मैटर। अब यहाँ पे जो कलर है ये वही चीज़ है जो मैंने आपको होम में सिखाया था। जैसे कलर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो होम मेनू का जो मेन कलर होता है जिससे हम फॉन्ट का कलर देते हैं वो चेंज होगा। थीम्स में भी हम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो है मार्जिन। अब जैसे हमने एक मैटर टाइप किया है यहाँ पे, ये दो पेज पे आ रहा है। आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए, यहाँ पे ऑफिस बटन पे जाना है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक नहीं करना दोस्तों, यहाँ बस रखना है, फिर प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए। इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ये पहला पेज हो गया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पेज हो गया। यानी अगर आप यहाँ प्रिंट का कमांड देते हैं, नंबर ऑफ कॉपी में एक लिखेंगे, अगर ओके बटन प्रेस करते हैं, अगर आपका यहाँ पे ऑल पे अगर क्लिक रहेगा और एक लिख के और ओके बटन प्रेस करते हैं तो ये जो हमने दो पेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, दोनों का एक एक पेज आएगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं प्रीवियस वाले पेज पे, अगर प्रिंट कमांड देते हैं, अगर यहाँ करंट पेज रखते हैं, तो आप यहाँ पे अगर पाँच लिखते हैं तो जो पहला पेज हमने खोला हुआ है जिसपे हमारा कर्सर क्लिक है, अगर कस्टम करते हैं तो उसी पेज का पाँच प्रिंट आउट निकल कर आएगा। लेकिन अभी हमें काम क्या करना है, ये जो दो पेज पे मैटर आ रहा है ना दोस्तों, इसको एक पेज पे सेट करना है, जिसमें हम मार्जिन का ऑप्शन यूज करेंगे, पेज की साइज का ऑप्शन यूज करेंगे और लाइन की स्पेसिंग का ऑप्शन यूज करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करें, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे लाइन की स्पेसिंग को कम करना है। लाइन की स्पेसिंग जो हमें कम करना है वो जीरो रखना है। एक तो आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं, दूसरा मैंने आपको होम से सिखाया था, होम में जाके आप यहाँ से भी कम करके वन रख सकते हैं। ये लाइन की स्पेसिंग कम हो गई और यहाँ बैक स्पेस प्रेस कीजिए, वो थोड़ा सा जो दूरी ज़्यादा आ रहा है वो कम हो जाएगा। इस तरह से हमने सेट कर दिया। तो हमने पेज लेआउट में क्या क्या यूज कर लिया, एक तो पेज की साइज ले ली, A4 साइज हमें रखना है, A4 साइज में हमें प्रिंट आउट देना है और यहाँ पे लाइन की स्पेसिंग हमने कम कर दी और हमें ओरिएंटेशन लंबाई में प्रिंट आउट देना है और होम से जाके मैंने लाइन की स्पेसिंग को कम कर दिया। अभी भी जो मैटर है वो एक पेज पे नहीं आ रहा है, तीन चार लाइन ऐसी हैं जो दूसरी पेज पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे मार्जिन यूज करेंगे। अभी आप देखेंगे ये जो मैटर हमने टाइप कर रखा है, इसके ऊपर और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और बॉटम में एक एक इंच की मार्जिन है। तो मार्जिन में जाएंगे आप, जब देखेंगे नॉर्मल वाला ऑप्शन सेलेक्ट है जिसके आगे एक लिखा हुआ है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में। तो हमें नैरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। नैरो की जो साइज है वो है आधे इंच की है, तो नैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, वो आधे इंच की मार्जिन आ जाएगा और आपका जो मैटर है बड़ी आसानी से एक पेज पे आ जाएगा। तो हमने मार्जिन भी सीख लिया, ओरिएंटेशन का ऑप्शन समझ लिया कि अगर हमें प्रिंट आउट लंबाई में निकालनी है या फिर चौड़ाई में निकालनी है वो हम सेट कर सकते हैं। रोटेट और लैंडस्केप का ऑप्शन होता है और साइज होती है हमारी, A4 साइज पे हमें निकालना है, A4 में निकाल लेंगे। कॉलम की बात की जाए तो अगर जो हमने मैटर टाइप कर रखा है ये हमें दो कॉलम में चाहिए तो दो कॉलम में आ जाएगा, तीन कॉलम में करना है तो हम तीन कॉलम में कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर टाइप होता है हमारा। और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे दबाइए, जस्टिफाई हो जाएगा इस तरह से। तो हमने तीन कॉलम में सेट कर लिया, नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड करके आप बैक कर सकते हैं या फिर न्यू पेज टाइप कर लें। और अगला ऑप्शन इसमें होता है लाइन नंबर और उसके ऊपर होता है ब्रेक करना। ब्रेक करना वही ब्रेक करना है जो मैंने आपको वहाँ पे सिखाया था, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपको नया मिलेगा, टेक्स्ट टाइपिंग। अब ब्रेक करना हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे कर्सर को यहाँ रखना है और ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो दूसरे पेज पे देना है, तो यहाँ पे हम ब्रेक का ऑप्शन करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, दो पैराग्राफ हैं जो नीचे आएगा। शॉर्टकट की से अगर आप करना चाहते हो तो कंट्रोल इंटर की प्रेस करें, आप इसमें देखोगे एक पैराग्राफ ऊपर, बाकी दो आप नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। और जो नया ऑप्शन इसमें क्या था दोस्तों, जो मैंने बोला है टेक्स्ट रैपिंग, लीजिए अगर मुझे यहाँ कोऑर्डिनेट्स नई लाइन में देनी है, लाइन एंटर की प्रेस कीजिए, नई लाइन में तो आ गया लेकिन आप देखो यहाँ पे बीच में स्पेस बढ़ गया, यानी जो हमने पैराग्राफ का स्पेस सेट कर रखा है उसके मुकाबले ये ज़्यादा आ रहा है। तो हम यहाँ कर्सर को सामने रख के टेक्स्ट रैपिंग का यूज कर लीजिए, नई लाइनें भी देगा, जो स्पेस हमने सेट कर रखा है उस स्पेस को मैनेज करते हुए चलेगा। ये होता है दोस्तों टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें लाइन नंबर, अगर हमें लाइन नंबर देना है पैराग्राफ या लाइनिंग वाइज हमें नंबर देना है तो इसको सिलेक्ट करें और यहाँ लाइन नंबर में जाएं, कंटिन्यूस कर दे लाइन नंबर आ जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ टाइप करते हैं तो और बढ़ता चला जाएगा, नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप नन कर दीजिए हट जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वाटरमार्क। वाटरमार्क में दोस्तों आप पेज के पीछे कोई तस्वीर भी लगा सकते हो और कोई टेक्स्ट भी दे सकते हो। तो जो लोगों मैंने वर्ड आर्ट में बना के आपको सिखाया था ना, उस लोगों को हम पीछे लगा सकते हैं और हम चाहें तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, या जो सिस्टम में कोई फोटोज हो तो उसको भी हम लगा सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, वाटरमार्क में जाना है और यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क होता है और फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाटरमार्क ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। इसमें आप टाइप करें टेक्स्ट में जो भी आप टेक्स्ट चाहिए आपको, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए NIIT, और यहाँ पे कलर पूछ रहा है हमसे कौन सा कलर चाहिए। जैसे मान लो मुझे ग्रीन कलर चाहिए, ग्रीन में ले लेता हूँ। ये डायगोनल और ओरिजेंटल का ऑप्शन आता है, ओरिजेंटल करेंगे तो सीधा आएगा, डायगोनल करेंगे तो तिरछे में आएगा। डायगोनल करने के बाद मैंने यहाँ ओके बटन प्रेस करना, इस तरह से आप देखेंगे वाटरमार्क आ जाएगा पेज के पीछे। प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो Ctrl+F2 दिखाओ आप, प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, इस तरह से आप शो कराएगा। नीचे जितने पेज लेंगे आपको सब में सेम अपने आप आएगा। अगर आप इसको हॉरिजेंटल में करना चाहते हो तो यहाँ से आप कस्टम में जाके इसको हॉरिजेंटल अप्लाई करो, हॉरिजेंटल आ जाएगा। नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव कर दो, हट जाएगा। कोई फोटोज़ वगैरह लगाना चाहते हो तो कस्टम में जाके और यहाँ पिक्चर सेलेक्ट पिक्चर और जो फोटो आप लगाना चाहते हो, ये लगाना है मैंने ये लगा दिया। यहाँ पे एक वॉश आउट का ऑप्शन होता है, इसको हटाना है। जब आप इसको हटाओगे थोड़ा सा जो पिक्चर है वो डार्क में आएगा इस तरह से। अगर आप वॉश आउट नहीं हटाते हो तो बहुत ज़्यादा लाइट में आएगा इस तरह से, देखो बहुत ज़्यादा लाइट में आ रहा है। प्रीव्यू देखोगे ना दोस्तों तो उसमें शो कराएगा इस तरह से। नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव कर दो, आप हटा सकते हो। और अपनी कोई बनाई हुई चीज़ भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक लोगो बनाया था लेकिन वो वर्ड की फाइल थी, तो उसको हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे लोगो का और इसको हम इसके पीछे लगा सकते हैं। जैसे मैंने मान लो यहाँ मिनिमाइज कर लिया और लोगो को ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। मेरा पेज हो गया ये और लोगो वाला पेज हो गया ये। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्नैपिंग टूल, इस पर क्लिक करना है आपने। स्नैपिंग टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया ऑप्शन आएगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, न्यू में जाके यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्निप लेना है और इसको ले लेना है, इसके अंदर लोगो आ जाना चाहिए और इसको सेव कर दीजिए आप। सेव कर दिया मैंने, डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ इसको मैं 120 के नाम से, और इसको बंद कर देता हूँ। और हमने वो पेज ओपन करना जिसके पीछे लगाना, जैसे हमने ये पेज ओपन कर लिया। फिर पेज लेआउट में वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, पिक्चर सेलेक्ट पिक्चर और जो फोटोज हमें लेना है। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, किस नाम से सेव किया था, 120 आ गया दोस्तों फोटोज। और इंसर्ट बटन पे जाना है और वॉश आउट हटा देना। मैंने बताया था वॉश आउट हटाओगे तो थोड़ा डार्क में आएगा, वॉश आउट नहीं हटाओगे तो बहुत ज़्यादा लाइट में आएगा। तो वॉश आउट आप हटा लेना और ओके बटन प्रेस कर देना। इस तरह से आप देखोगे लोगो उसके पीछे आ जाएगा, नीचे की तरफ जितने भी पेज आएंगे सारे पेजेस पे लोगो अपने आप आ जाएगा। अब इसकी साइज भी बड़ी छोटी आप कर सकते हो दोस्तों अपने हिसाब से। कस्टम में जाके यहाँ पे आप साइज स्केल के सामने आप देखोगे ऑटो आ रहा है। अगर आप इस पर 150 करते हो, 200 करते हो, अपने हिसाब से चेक कर लेना। 200 डालोगे तो देखो ये 200 में बड़ा हो गया थोड़ा सा। तो ये होता हमारा वाटरमार्क। नहीं चाहिए तो हम यहाँ रिमूव वाटरमार्क कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा पेज कलर। पेज का कलर कोई देना हो तो हम पेज का कलर दे सकते हैं। और फिर फिल इफेक्ट में आके और यहाँ पे हम वही चीज़ दे देंगे जो हमने शेप में नहीं सीखा था, वही चीज़ है। दो कलर की मिक्सिंग देनी हो, कोई फोटो देनी है तो वो इसके बैकग्राउंड में आ जाएगा। पेज कलर हो गया। अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर लगाना, तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ बॉर्डर कुछ दिए गए हैं, जो आपको यूज करना है वो कर लो आप, बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर की लाइन को मोटी पतली करनी है तो यहाँ से हम बॉर्डर की लाइन को मोटी पतली कर सकते हैं। बॉर्डर में शैडो देना है तो हम यहाँ शैडो दे सकते हैं। कोई और डिज़ाइन देनी हो बॉर्डर में तो आर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम जाके अपने मन से कोई डिज़ाइन दे सकते हैं इस तरह से। अभी जो हमने बॉर्डर लगाया इसकी साइज़ अगर हमें बड़ी छोटी करनी है तो अभी जो यहाँ साइज दिखा रहा है 12 दिखा रहा है, इसको हम 31 तक बड़ी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगा। ओके एक बटन प्रेस कीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा। ये भी नीचे जितने पेजेस आएंगे सब पे ऑटोमेटिक आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। हमें ऊपर नीचे नहीं चाहिए, सिर्फ दाएं बाएं चाहिए। तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे का ऑप्शन बंद कर देंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे, सिर्फ ये दाएं बाएं आएगा। नहीं चाहिए आपको तो यहाँ नो बॉर्डर का ऑप्शन होता है, आप बॉर्डर को हटा सकते हैं। यहाँ पे जाइए और यहाँ नो बॉर्डर का ऑप्शन होता है, नन पे ओके बटन प्रेस कर दीजिए, बॉर्डर हट जाएगा। और यहाँ पे आप इसके स्पेस को छोटा बड़ा जैसे करना हो, लेफ्ट राइट, यहाँ से स्पेस को कम करना बढ़ाना वो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से इस तरह से। बाकी पोजीशन ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, एलाइन ग्रुप, ये रोटेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेप में क्लियर करा चुका हूँ।
तो अभी हमने तीन मेनू को कंप्लीट किया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। अगला जो हमारा मेनू आता है वो होता है रेफरेंस। रेफरेंस में जो पहला ऑप्शन होता है दोस्तों वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट। और टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास एक पेज है, इसमें कोर्स का कंटेंट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जो भी हमारा चैप्टर होता है, लेसन होता है, जैसे कंट्रोल एंटर की प्रेस कीजिए, बहुत सारे पेजेस ले लीजिए, कंट्रोल एंटर की मैं चार बार दबाता हूँ, टोटल हमारे पास पांच पेज हो जाएंगे, क्योंकि एक पहले का पेज है, एक दो तीन चार। देखिए यहाँ पे फाइव ऑफ फाइव हो गया, यानी पांच पेज है हमारे पास और पांचवें नंबर पे हमें। इसी पेज को छोटे में देखने के लिए व्यू में जाके थंबनेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यही पेज यहाँ छोटे में आ जाएगा। पहला पेज आपको खाली छोड़ना है, सेकेंड नंबर पेज पे आना है, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया चैप्टर वन। चैप्टर वन में जैसे मान लीजिए मैं ये मैटर दे देता हूँ। अब आता है चैप्टर टू, सेकेंड नंबर थर्ड नंबर पेज पे, क्योंकि पहला पेज हमने छोड़ा हुआ है। चैप्टर टू पे मैंने यहाँ लोरम टाइप कर लिया, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। अगला ऑप्शन आता है चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री में दोस्तों मैं यहाँ कोई फोटो दे देता हूँ, ये फोटो देता हूँ चैप्टर थ्री में। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर फोर, चैप्टर फोर में मैं यहाँ से कुछ और दे देता हूँ, कोई सेप दे देता हूँ, कुछ भी बदल देता हूँ। अब ये पहला पेज है, दूसरा पेज पे अपने चैप्टर वन लिखा है, फिर चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर। ये जो चैप्टर है इसको सिलेक्ट कीजिए, चैप्टर वन। रेफरेंस में जाना है, एड टेक्स में इसमें लेवल वन करना है, और दूसरे चैप्टर को भी सिलेक्ट करके लेवल वन। अब चाहो तो लेवल टू लेवल थ्री भी कर सकते हो, लेकिन सब पे एक ही अप्लाई करना है। अगर लेवल टू आप लगाते हो तो सब पे लेवल टू ही लगाना, क्योंकि साइज बड़ी छोटी हो जाएगी फिर। सब पे हमने लेवल वन अप्लाई किया। अब जाना हमें फर्स्ट पेज पे, टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, और फॉर्मेट जो है दोस्तों वो हमें फैंसी सिलेक्ट करना है, और ओके बटन प्रेस कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो पहला पेज था उसमें हमने कंटेंट को इंसर्ट कर दिया, और हमें ये यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि चैप्टर नंबर वन जो है वो टू नंबर पेज पे है, चैप्टर नंबर टू जो है वो थ्री नंबर पेज पे है, चैप्टर थ्री जो है वो फोर नंबर पेज है, और फोर जो है फाइव नंबर पेज पे है। अगर हमें चैप्टर नंबर थ्री खोलना हो, अभी तो हमारे पास चैप्टर कम है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, चैप्टर नंबर अगर हमें थ्री खोलना हो तो हमें यहाँ नीचे की तरफ नहीं जाना, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपको चैप्टर नंबर थ्री वाले पेज पर ले आएगा। एक बार दोबारा देखते हैं, कंट्रोल होम दबाइए अपने कीबोर्ड से, फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। जिस पे भी आप कंट्रोल के साथ माउस को क्लिक करें वो चैप्टर पे ले आएगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में होता है अपडेट टेबल। आप चाहो तो टेबल को और अपडेट कर सकते हो, जैसे हमारे पास चार चैप्टर हैं, हमें इसमें एक और चैप्टर ऐड करना है, चैप्टर नंबर फाइव। कंट्रोल एंड दबाइए लास्ट पेज पे, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंटर करके पेज को ब्रेक कर लिया, और यहाँ पे चैप्टर फाइव ऐड कर दिया हमने। टू लो रन टाइप कर लेता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करना है दोस्तों, और यहाँ पे लेवल वन करना इस पर भी जरूरी है। फिर कंट्रोल होम दबाइए फर्स्ट पेज पे, और जहाँ भी हमें इंसर्ट करना है चैप्टर नंबर फाइव, जैसे फोर के नीचे हमें फाइव ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे ऑप्शन आता है अपडेट टेबल, और अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करिए, एक रेडियो सा बटन आएगा, उसके सामने क्लिक करना है और ओके बटन प्रेस कीजिए। तो ये चैप्टर नंबर फाइव यहाँ ऐड हो गया। आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो चैप्टर नंबर फाइव के पास आपको ले आएगा, चाहे वो किसी नंबर पेज पे हो। तो दोस्तों ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अगला ऑप्शन होता है इंसर्ट फुट नोट। इंसर्ट फुट नोट कोई नोट देने के काम आता है, बीच में अगर आप कोई नोट देना चाहते हैं इसके बीच में, जैसे ओ और एन के बीच में कोई नोट आपको देना हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो। जो भी मैटर टाइप करेंगे वो यहाँ पे टच जब कराएंगे तो वो शो करा देगा। तो बुक वगैरह में जो बच्चों की स्टोरी की बुक होती है तो उसमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं, और देना चाहते तो और आप दे सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन दोस्तों बायोग्राफी देने के काम आता है। ये एक फ़ोटो ले लिया हमने, अब इसके नीचे हमें कोई बायोग्राफी देनी है तो यहाँ ऐड, सॉरी यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट सिटेशन, ऐड न्यू सोर्स। यहाँ पे ऑथर का ऑप्शन आ रहा है, चाहो तो आप कोई बुक की बायोग्राफी दे सकते हो या कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने दीपक टाइप किया, टाइटल में हमने जैसे लिख दिया बेसिक कंप्यूटर कोर्स, आप चाहो तो किसी बुक का कवर पेज के नीचे आप दे सकते हो। ईयर में हमने डाल दिया 2020, सिटी डाल दिया हमने नई दिल्ली, पब्लिशर में डाल दिया जैसे पहला, ओके बटन प्रेस करें।
नीचे आप देखेंगे ये ऑथर का नाम आ रहा है, बाकी कोई डिटेल नहीं आ रही है। अगर आपको पूरी बायोग्राफी शो करनी है तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बिब्लियोग्राफी और यहाँ इंसर्ट बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे पूरी डिटेल आ जाएगी। मैंने सोर्स का मतलब होता है आपसे पहले कितने लोगों ने यहाँ पे दे रखा है डिटेल, वो आएगा। करंटली जो आपने अप्लाई कर रखा है, अगर इसमें से आप डिलीट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट कैप्शन। अभी जो मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट सिखाया था, इसमें क्या था कि हम टेक्स्ट को लिख के, शेप को बना के और टेक्स्ट को लिख के और कोई फोटो में भी हम टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर वन चैप्टर टू बनाते थे। और जो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है, ये सिर्फ फोटो के लिए होता है। हम इसमें फोटो में फिगर वन, फिगर टू, फिगर थ्री उसी तरह बनाएंगे। एक बार देख लेते हैं इसको भी। कंट्रोल एंटर की प्रेस किया, एक दो तीन लेता हूँ पेज। व्यू में थंबनेल करना है, सेम वही चीज़ इसमें भी। अब यहाँ पहला पेज हमें खाली रखना है, सेकंड नंबर पेज पे आना है, इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे जाना है। सिस्टम के अंदर से कोई भी फोटो ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ से हमने क्लिक किया, एक फ़ोटो यहाँ ये आ गया। अब सेकंड नंबर पेज पे आना है, यहाँ पे पिक्चर में जाना है, एक दूसरी फ़ोटो हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ आना है और एक तीसरी फ़ोटो हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे एक फ़ोटो ले लिया हमने तीन, यहाँ क्लिक करना है। आपने लिखना नहीं है फिगर वन, फिगर टू या चैप्टर वन, चैप्टर टू। यहाँ कोने पे क्लिक करके एंटर की प्रेस करना है और यहाँ रेफरेंस में आके इंसर्ट कैप्शन फिगर वन अपने आप आएगा, ओके बटन प्रेस करना है। सेकंड नंबर पे आके कोने पे क्लिक एंटर, यहाँ पे फिगर टू आएगा, ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे आइए कॉर्नर पे क्लिक एंटर, यहाँ पे फिगर थ्री आएगा, ओके कर दीजिए। अब जाना हमें फर्स्ट पेज पे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यहाँ पे ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का, इसमें हमें रखना है सिंपल और ओके बटन प्रेस कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। अब ये तीनों फिगर हमें नंबर आ गया और बता रहा है कौन से नंबर पेज पे है। जिस पे हमें जंप करना है कंट्रोल के साथ, उस पर क्लिक करिए, वो फिगर अपने आप आ जाएगा, उस फिगर वाले पेज पे आपको ले आएगा। कंट्रोल होम दबाइए फर्स्ट नंबर पेज पे आएंगे, कंट्रोल एंड दबाइए लास्ट नंबर पेज पे आएंगे। अगर आप इसमें भी अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे अपडेट करेंगे दोस्तों, देखें। कंट्रोल एंड दबाएं लास्ट नंबर पेज पे और कंट्रोल इंटर की प्रेस करें ब्रेक कराने के लिए, और यहाँ पे कोई फ़ोटो ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे कोई दूसरी फ़ोटो ले लेता हूँ, ये फ़ोटो ले लिया मान लेते हैं, और यहाँ कॉर्नर पे क्लिक इंटर और रेफरेंस इंसर्ट कैप्शन फिगर फोर करके ओके करिए। कंट्रोल होम दबाइए फर्स्ट पेज और थ्री के बाद क्लिक करिए और अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल और ओके बटन प्रेस करें, फिगर फोर ऐड हो गया। फिगर फोर को ओपन करना है, कंट्रोल दबा के क्लिक करें, फिगर फोर आपका ओपन हो जाएगा। तो कैप्शन भी कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन आता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होती है दोस्तों, को देख लेते हैं इसको भी। जैसे हमने कुछ नाम टाइप किया, मोहन, सोहन, अमन, नवीन, बंटी, उमेश, भवन, गीता, सीता, रीता, संदीप, ऐसे जो भी हमने नाम लिखा है इसको सेलेक्ट करिए और मार्क एंट्री पे जाना है। यहाँ पे मार्क ऑल का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करें। फिर दूसरे नंबर का जो नाम है इस पर डबल क्लिक करके वन बाय वन मार्क कराना है। इस तरह से इसको क्लोज करिए, सामने क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट का, इसको कर देंगे फैंसी और ओके बटन प्रेस करेंगे। तो जो भी हमने नाम लिखा है आप देखेंगे उस नाम का जो पहला अक्षर है उसकी हेडिंग बना देगा और उस अक्षर से जो भी नाम होगा वो उसके अंदर में दे देगा। जैसे आप देखिए जी वाला जो अल्फ़ाबेट है इसमें गगन और गीता दो नाम है, तो जी के अंदर में आएगा। और ये जो साइन आ रहा है मार्क एंट्री का, आप चाहो तो होम से यहाँ से हटा सकते हो। शॉर्टकट की से अगर आपको हटाना हो तो शॉर्टकट की होता है इसका कंट्रोल शिफ्ट और एट बटन, कंट्रोल शिफ्ट एट दबाएंगे तो वो शॉर्टकट की रिमूव हो जाएगा। तो डिक्शनरी में जैसे आप देखते होगे जो भी हमने नाम लिखा है उसकी हेडिंग बना देगा और वो नाम उसके अंडर में लिख देगा। और यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, अमन के आगे एक लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अमन जो है वो फर्स्ट नंबर पेज पे है। अगर देखिए मैं इसमें कुछ और नाम अपडेट करता हूँ, ये अपडेट वाला ऑप्शन जो है, अब जैसे मैं यहाँ सेकेंड नंबर पेज पर आ जाता हूँ, एक नाम ऐड करता हूँ फैजान और एक नाम ऐड करता हूँ फहीम। अब इस दोनों नाम को सिलेक्ट करता हूँ और मार्क एंट्री मार्क ऑल वैसे ही करना दोस्तों। इस पर भी फैजान वाले नाम पे डबल क्लिक कीजिए और नीचे जो नाम है इस पर भी डबल क्लिक करके मार्क करिए, क्लोज करिए। अब आप यहाँ कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, अपडेट टेबल कर दीजिए और कंट्रोल शिफ्ट एट से साइन हटा दीजिए। दोस्तों आप देखो यहाँ पे एफ के हेडिंग बन गई और उसमें फहीम और फैजान नाम भी आ गया और ये सेकेंड नंबर पेज पर, उसके आगे टू भी लिख गया और यहाँ देखो संदीप भी सेकेंड नंबर पेज पर गया होगा यहाँ पर। तो
इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन होता है वो मार्क सिटेशन होता है। इसका भी काम दोस्तों ऐसे ही लगभग है, देखते हैं। जैसे हमने कुछ नाम लिखा है यहाँ पे, अब इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, अलग पेज पे ले लेता हूँ कुछ नाम, कंट्रोल इंटर, और ऊपर यहाँ से कंट्रोल इंटर कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों व्यू में थंबनेल कर लेते हैं, यही पेज बगल में आ जाएगा। पहला पेज खाली है, सेकंड नंबर पेज, थर्ड नंबर पेज। अब इसको सेलेक्ट करते हैं हम नाम को, और वैसे ही रिफ्रेंस में जाना है, मार्क इंट्री जैसे करते थे वैसे ही मार्क सिटेशन करना है, फिर मार्क ऑल करना है, और दूसरे नाम पर डबल क्लिक करके मार्क करना है, फिर यहाँ डबल क्लिक करके मार्क, सेम चीज़ों को करते रहिए सारे नामों तक। यहाँ पे आके उमेश पे डबल क्लिक, क्लोज करना है। यहाँ से फर्स्ट पेज पे जाना है, इंसर्ट टेबल ऑफ एक्टिविटीज, फॉर्मेट में जाके सिंपल करना है दोस्तों, और यहाँ ओके बटन प्रेस कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट एट दबाइए साइन इट आने के लिए। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, नाम जैसे मर्जी वैसे लिखा हमने, ये केसेस के हिसाब से सेट हो जाएगा, ये अल्फाबेट्स के हिसाब से आ जाएगा। नाम हमने जैसे पहला नाम लिखा था मोहन, लेकिन ये अमन के हिसाब से आएगा, और ये बताएगा हमसे कौन सा नाम कौन से नंबर पेज पे। ये सिटेशन का काम होता है। इसमें भी चाहो तो आप अपडेट करा सकते हो, जैसे मैं आपको एक अपडेट कराता हूँ। जैसे हमने यहाँ जाहिद टाइप कर दिया, और इस नाम को सिलेक्ट करके मार्क सिटेशन मार्क ऑल करना है, और जाहिद वाले नाम पर डबल क्लिक करके फिर मार्क क्लोज करना है। ऊपर क्लिक कर दीजिए, बीच में कहीं पे भी अपडेट करा दीजिए, और कंट्रोल शिफ्ट 8 से साइन हटा दीजिए। अब देखिए जाहिद वाला नाम यहाँ पे ऐड हो गया, और ये सेकंड नंबर पेज पे। तो हमारा रेफरेंस मेनू भी कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा मेनू बार है वो है मेलिंग। मेलिंग का दोस्तों बहुत ज़्यादा काम होता है एमएस वर्ड के अंदर। अब यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन होता है लेबल, तो लेबल से दोस्तों आप स्टिकर बना सकते हो, एक बार में आप 30 लेबल बना सकते हो। लेबल पर जाएँ, यहाँ पे ऑप्शन वाले पे क्लिक करें, और यहाँ इनकी साइज होती है। जैसे मान लीजिए मुझे 30 पर पेज का साइज बनाना है। अब देखो दो ऑप्शन आ रहा है, नीचे वाला लेना और ओके बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है जो लेबल में आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ भर दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट में जैसे मान लो मैंने डाल दिया अमूल बटर, MRP डाल दिया 48, और वजन डाल दिया WEIGHT, वजन डाल दिया हमने दोस्तों 100 ग्राम, ये हमने भर दिया। और इसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने 30 लेवल बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें बॉर्डर वगैरह देना हो ताकि हम प्रिंट आउट जब निकालें तो कटिंग करने में लेवल को दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर में आप जो भी कलर जो भी साइज़ देना वो आप सेट कर लेना। और प्रिंट आउट निकालने के लिए आप कंट्रोल P दबा सकते हैं, और प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस F2 दबाइए, प्रीव्यू दिखाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं लेवल। अगला जो ऑप्शन आता है इसमें आता है वो आता है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज से हम मेल मर्ज तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक लेटर का फॉर्मेट मैंने टाइप किया, टू द सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे BROTHER, अब यहाँ लोरम से मैंने एक पैराग्राफ लिया, ये हो गया दोस्तों हमारा लेटर टाइप हो गया। अब यहाँ जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज, फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टेप बाई स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। दोस्तों पहले मैं बता दूँ कि इसका काम क्या होता है वो समझ लो आप। जैसे हमने एक लेटर का फॉर्मेट टाइप किया है, अब ये लेटर को मुझे बाई पोस्ट 10 लोगों के पास भेजना हो या 50 लोगों के पास भेजना हो, तो उन लोगों का एड्रेस जो भी डिटेल होगा वो मैं यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज में मेंशन करूँगा। फिर वो लेटर जो होगा, जो भी नाम हमने जो भी डिटेल हमने फिलअप कर रखा है उन नामों के साथ उतनी बार वो लेटर बन के तैयार हो जाएगा। जैसे आप देखो कि मैं इसको एक बार टाइप कर रखा है मैंने, तो मुझे जाना है यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये मेल मर्ज का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है 2 बार, फिर टाइप ए न्यू लिस्ट, फिर जाना हमें क्रिएट के ऑप्शन पर। जैसे ही आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ एड्रेस न्यू लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और ये बने बनाए कुछ फील्ड होते हैं। आप चाहो तो इन फील्ड पे भी अपना लेटर तैयार कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें से जो एंट्री आपको डिलीट करनी हो डिलीट कर सकते हो, और अपने मन से कोई फील्ड को ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हो। तो हम कस्टमाइज कर लेते हैं। कस्टमाइज में जाने के बाद मुझे इतनी डिटेल नहीं चाहिए, तो मैं इसमें से डिलीट कर लेता हूँ। ये ऑप्शन मैंने डिलीट कर लिया, कंपनी का नाम भी हटा देता हूँ,
एड्रेस में एक ही एड्रेस चाहिए हमें, जिप कोड हटा देता हूँ, हम पिन कोड लिख लेंगे और इसको हमने डिलीट कर दिया, होम फोन लाइन देता हूँ। ये हो गया हमारा फॉर्मेट, नाम एड्रेस सिटी स्टेट, स्टेट के बाद यहाँ पे ऐड करा लेता हूँ एक पिन कोड का और ओके बटन प्रेस करना है और ओके बटन प्रेस कीजिए। तो इस तरह से आपका फील्ड बन के तैयार हो जाएगा। आप इसमें डिटेल फिलअप करिए, जैसे हमने दीपक डाला, टैब दबाएंगे अगले बॉक्स में आ जाएंगे 56/9 वसंत कुंज, और सिटी में डाल दिया हमने नई दिल्ली, स्टेट में भी डाल दिया वही चीज़, पिन कोड 11002 और नंबर में कोई भी नंबर डाल देते हैं। टैब दबा के अगले बॉक्स में आ जाएंगे, अगर आप शिफ्ट टैब दबाएंगे तो पीछे वाले में आ जाएंगे। यहाँ टाइप कर दिया उमेश, इसका एड्रेस डाल देता हूँ emailpiner, समझाने के लिए 2-3 फील्ड बना लेता हूँ दोस्तों। एक फील्ड और बना लेता हूँ सोहन का, डिटेल दोस्तों जितना आपको बनाना हो भर के अब यहाँ पे ओके बटन प्रेस करना है और यहाँ पे इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कर दीजिए, जैसे मैंने दीपक के नाम से सेव कर दिया। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अब इसके बाद ये ऑप्शन आएगा, हम इसको ओके बटन प्रेस कर देते हैं। एक बार हमें यहाँ से नेक्स्ट करना है, ग्रीटिंग लाइन का ऑप्शन आएगा, आप चाहो तो ऊपर से भी ग्रीटिंग लाइन यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, ग्रीटिंग लाइन यहीं से ले लेते हैं और ओके बटन प्रेस करना है। ग्रीटिंग लाइन सर मैडम के लिए आता है, फिर एंटर की प्रेस करना और इंसर्ट मर्ज फील्ड में 1x1 जो भी आपने फील्ड तैयार करी थी उसको एंटर की के साथ नीचे की तरफ इंसर्ट करना है इस तरह से। और फिर आपको यहाँ प्रीव्यू देखना है, ये पहली एंट्री आ गई इस तरह से। अगर सबको अलग अलग पेजेस पे देना है तो यहाँ पे फिनिश करके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑल करके ओके बटन प्रेस करें। ये जितने भी आपने एंट्री भर रखी थी, 3 रिकॉर्ड हमने भरा, 3 रिकॉर्ड ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा। तो ये था दोस्तों स्टार्ट मेल मर्ज। इसमें एक और ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने के लिए, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने लेटर बना रखा है यहाँ पे या फिर कोई सैलरी स्लिप वगैरह बना रखी है तो इसमें क्या होगा, जो रिकॉर्ड फॉर्मेट हमारा तैयार होगा यहाँ पे और डेटा जो हम उठाएंगे वो हम एक्सेल से उठा सकते हैं या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से भी उठा सकते हैं। मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, मैं आप उसको दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक तैयार करा रखा है सैलरी स्लिप, ये हमने वर्ड में फॉर्मेट बनाया है, ये हो गया हमारी स्लिप का फॉर्मेट, जिसमें कंपनी का नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया और ये हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो एक्सेल में डेटा बनाया था वो मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है जो मैंने एक्सेल में सेव कर रखा है सैलरी स्लिप का। तो यहाँ मेलिंग में आना है, यहाँ पे सेलेक्ट पे जाना है, बीच वाले ऑप्शन पे आइए और डेटा जो है हमारा वो डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप को लोकेशन ले लेता हूँ और सैलरी का एक ऑप्शन है यहाँ पे सैलरी का, ओके बटन प्रेस करेंगे ओके या ओपन और सीट नंबर 1 पे फिर ओके दबाइए और इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जो हमारी फील्ड थी एक्सेल की जो हमने पहली लाइन दे रखी थी हेडिंग वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एम्प्लॉई का नाम डाल दिया, डेजिनेशन मैं इसका दे देता हूँ ये, उसी के सामने वो डिटेल डाल देंगे और यहाँ पे मंथ हो गया, ईयर में हमने यहाँ ईयर डाल दिया, बेसिक सैलरी में हमने यहाँ बेसिक सैलरी डाल दी, टी अलाउंस हो गया, डीए एचआर डाल दिया, फिर अब ईपीएफ हो गया हमारा, ईएसआई हो गया, टोटल जो है वो हमारा टोटल एडिशन टोटल डिडक्शन और यहाँ हो गया दोस्तों हमारा नेट सैलरी। उसी के सामने वो चीज़ इंसर्ट करके यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे, फिर वैसे ही फिनिश एडिट इंडिविजुअल ऑल करके ओके कर दीजिए। तो हमने वहाँ 5-7 एंट्री भर रखी तो वो एंट्री आपको यहाँ दिखाई देगी, पहली यहाँ यस आ गया, मैनेजर हो गया, फिर यहाँ आकाश हो गया, इस तरह से हो गया। और जो एक्सेल की डेटा थी दोस्तों वो मैं आपको दिखा दूँ, वो डेटा हमने यहाँ से उठाई थी और ये सैलरी स्लिप की डिटेल थी, ये आ गया दोस्तों, ये हमने करीब 4-5 एंट्री भरी थी तो 4-5 नामों के साथ वहाँ पे सैलरी स्लिप इनका जनरेट हो गया। आप चाहो तो और ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो ये हमारा मेलिंग का ऑप्शन कवर हो गया। नेक्स्ट जो मेन्यू आता है वो होता है हमारा रिव्यू मेन्यू।
तो दोस्तों अगला ऑप्शन आता है हमारा रिव्यू मेनू। रिव्यू मेनू में ये ग्रुप है प्रूफिंग का, फिर कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज और कंपेयर। तो सबसे पहले आता है स्पेलिंग चेक ग्रामर। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया है, आप देखेंगे इस पैराग्राफ में कहीं पे भी रेड कलर की या फिर ग्रीन कलर की लाइन नहीं आती, नहीं आ रही। कभी कभी हम कुछ जैसे स्पेलिंग को गलत करते हैं तो लाइन आनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने सेलेक्टेड की स्पेलिंग गलत किया, चूजिंग का किया और ओवरऑल का किया और यहाँ पर इंसर्ट का कर दिया, और बीच में अगर आप स्पेस ज़्यादा देते हैं तो ग्रीन लाइन शो करती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जो भी लाइन यहाँ से हो रही है ना, वो प्रिंट आउट जब आप निकालेंगे उसमें नहीं आएगा। जैसे आप प्रीव्यू देखिए, कंट्रोल प्लस F2, यहाँ देखिए कोई लाइन नहीं शो हो रही। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अगर आप स्पेलिंग चेक ग्रामर में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट की हमने स्पेलिंग गलत टाइप कर रखी है, सजेशन में हमें कुछ सुझाव दे रहा है कि अगर आप इसमें से कोई स्पेलिंग को लेके ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप चेंज पे दबाएंगे वो स्पेलिंग सही हो जाएगी, तो लाइन अपने आप हट जाएगा। जैसे इट्स था आइटम था, तो आइटम लेके यहाँ चेंज कर दे तो सही हो गया। अगर आप चाहते हैं गलत वाली जो स्पेलिंग है यही रहे लेकिन लाइन हट जाए, तो जो रेड कलर की आ रही है तो आप इग्नोर करिए, तो इग्नोर करेंगे तो लाइन हट जाएगी, चेंज करेंगे तो स्पेलिंग सही हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी शॉर्टकट की इसका होता है F7 बटन दबाइए, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, आप माउस ले जाइए इस पर, राइट बटन दबाइए माउस का, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है स्पेलिंग चेक ग्रामर। अगला ऑप्शन होता है रिसर्च, यानी कुछ चीज़ को ढूंढना वगैरह हो तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे गुड, इंटर की प्रेस करिए तो उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस वगैरह आपको दे देगा। यहाँ सर्चिंग कर रहा है हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, इसका मतलब पर्यायवाची शब्द बताएगा, वो सारी चीज़ें दिखाई देगा आपको। इसमें भी सेम काम होता है, ट्रांसलेट करना हो तो आप जो भी मैटर आपने टाइप कर रखा है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस ट्रांसलेट वाला ऑप्शन का तभी आप यूज कर सकते हैं जब सिस्टम में नेट कनेक्टेड हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, कुछ भी टाइप कर देता हूँ, माई नेम इज राम, इसको सेलेक्ट करना है, ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे माय नेम इज़ राम आ रहा है, सर्चिंग कर रहा है, और हमने इंग्लिश में टाइप कर रखा है, हम किस भाषा में हमें चाहिए, तो हम यहाँ से हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया, और यहाँ इंसर्ट कर दीजिए, जिस तरह नाम चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जिस भाषा में आप चाहते हैं, तो इसमें कर सकते हैं यहाँ से। और वर्ड काउंट करना है दोस्तों, तो वर्डों को काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये मैटर टाइप किया, हमें नहीं पता इस, और इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और पेस्ट करके हमने बहुत सारा मैटर बना लिया। कंट्रोल होम दबा के फर्स्ट पेज पे आ जाना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, वर्ड काउंट में हमें बताएगा कि हमारे पास पेज कितने हैं, लाइन कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखा देगा। और कमेंट करना चाहते हो किसी पैराग्राफ पे तो हम कमेंट कर सकते हैं, न्यू कमेंट का ऑप्शन करना है हमें इस तरह से, यहाँ पे हमें जो भी कमेंट करना है ABC हम कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला कमेंट देना हो तो अगला हम दे सकते हैं, इसमें कमेंट देना हो तो हम इसमें कमेंट दे सकते हैं। कमेंट को आगे पीछे देखना चाहते हो तो नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आगे दिखाएगा, प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस दिखाएगा। ये बलून में आ रहा है, बाहर एक डब्बे में आ रहा है, अगर आप इसको इनलाइन करना चाहते हो तो लाइन के अंदर शो कराएगा। कमेंट आपको हाईलाइटेड करके दिखा रहा है, जब आप इस पर टच कराएंगे तो जो भी कमेंट आपने दिया वो डेट और सिस्टम का नाम आएगा, और कब आपने दिया वो क्या दिया वो सारी चीज़ें दिखाएगा। कमेंट में बलून में शो करना चाहते हो तो बलून में शो करो, और इसको डिलीट करना चाहते हो कमेंट को तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये इसके लिए होता है दोस्तों। अगला ऑप्शन होता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का क्या काम होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास पैराग्राफ है तो इसको हमने सेट कर रखा है, अगर आप हम एक कलर यहाँ सेट करेंगे, अगर इसमें कोई भी कुछ भी चेंज करेगा तो एक अलग कलर आएगा, डिलीट करेगा कोई चीज़ कलर आएगा, और किसी लाइन में चेंजमेंट होगा उसमें अलग लाइन में कलर आएगा। तो हम जो भी चीज़ें चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अगर रिजेक्ट करना चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ ट्रैक चेंज पे ऑप्शन में जाना है, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हमें सेट करना है क्या चीज़ हमें चाहिए। जैसे हमें इंसर्ट कोई चीज़ करानी हो तो हमें सिंपल कलर में चाहिए और ग्रीन कलर में चाहिए। डिलीट कोई चीज़ करानी हो तो हमें कलर में चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे रेड कलर चाहिए। जिस लाइन में चेंजमेंट करना हो तो हमें यहाँ ब्लू कर देंगे, आउटसाइड बॉर्डर दे रखा है हमने, ओके कर देंगे और ट्रैक चेंज अप्लाई करके छोड़ देते हैं। अब जैसे इसमें कोई कुछ भी टाइप करता है ना, तो देखो ग्रीन में टाइप होगा, और क्योंकि हमने इंसर्ट में ग्रीन में दिया था, और जिस लाइन में चेंजमेंट करेगा वो ब्लू होगा, तो कुछ भी लिखेगा ग्रीन, अगर कुछ भी कोई मिटाता है तो ये देखो डब्बे में मिट रहा है, हमने रेड कलर दिया था, बलून यहाँ अप्लाई है, इसको बंद कर दीजिए, इनलाइन कर दीजिए, तो लाइन के अंदर आपको रेड दिखाएगा। कुछ भी कोई लिखेगा ग्रीन, कोई कुछ भी मिटाएगा रेड। इस तरह से हम ट्रैक चेंज का यूज कर सकते हैं। और बलून में जो मिटाया वो बलून में देना हो तो बलून में दे सकते हैं, नहीं चाहिए लाइन में देना हो तो लाइन में दे सकते हैं। शो मार्कअप, इंसर्ट और डिलीट जो लगाया हुआ है उसको हटाना हो, कलर हटाना हो बाकी तो हम हटा सकते हैं, बाकी जो इंसर्ट किया रहेगा वो रहेगा, जो डिलीट किया गया वो हट जाएगा। अगर आप कलर के साथ देना चाहते हो तो कलर के साथ आएगा। अलग से देखना चाहते हो वर्टिकल में तो इंसर्ट और डिलीट जो भी चीज़ें हुई हैं वो वर्टिकल में दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल में देखना हो तो आप हॉरिजॉन्टल में देख सकते हैं।
जो भी चीज़ें चेंज किया है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। अगर इस पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि जो चीज़ें बदलाव हुई हैं वो इसमें सेट हो जाएँ, तो हमें एक्सेप्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट करना है, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर आप जो भी चेंजमेंट हुई है उसको नहीं चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो आप यहाँ से रिजेक्ट का यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट प्रीवियस का काम होता है जहाँ जहाँ पे चेंजमेंट हुई हैं, चाहे लिखी गई हों चीज़ें, चाहे हटाई गई हों, तो वो आप आगे पीछे करके देख सकते हो। और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का काम होता है कि जो भी हमने मैटर टाइप कर रखा है इसके नीचे आप इसको कर्सर को रखना है और इस पैराग्राफ को प्रोटेक्ट करना है ताकि इसमें कोई लिख ना पाए। तो रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट में जाना है, फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है और जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं चेक बॉक्स इसमें क्लिक करना है और यस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ में पासवर्ड डाल देना, जैसे 120 पासवर्ड डाल दिया, दोनों में सेम कर दिया, ओके बटन प्रेस कीजिए। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब किसी को इसमें टाइप करो दोस्तों, कोई टाइप नहीं होगा कुछ भी, और नीचे की तरफ आप टाइप कर सकते हैं। प्रोटेक्शन हटाना हो तो स्टॉप प्रोटेक्शन पर जाइए और यहाँ पर 120 टाइप कीजिए और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें लिखनी हो लिख सकते हैं। तो ये रिव्यू भी कम्प्लीट हो गया दोस्तों। अगला जो मेन्यू आता है वो व्यू मेन्यू आता है दोस्तों, ये हमारी लास्ट मेन्यू है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला ऑप्शन आता है व्यू, तो इसमें फुल स्क्रीन से देखना हो तो फुल स्क्रीन में हम देख सकते हैं, क्लोज करना हो तो हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ये अलग अलग देखने का व्यू करने का तरीका होता है। इसमें प्रिंट लेआउट पर ही ठीक रहेगा हमारा। रूलर मार्जिन शो करने के लिए करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ रख के अगर मैं बैक स्पेस करता हूँ ऊपर नहीं जा रहा, रूलर आप शो करा के पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं जैसा आपको सेट करना हो। यहाँ पे आप इसको बड़ा घटा सकते हैं जैसे आपको रखना है। ग्रिड लाइन लाइन शो करा सकते हैं, थंबनेल बगल में दिखाता है। जूम करना हो कितना रख सकते हैं पेज की साइज, 75% करना 75%, नॉर्मल जो होता है वो हमारा 100 होता है, यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 100 पे रहने दो आप इसको। न्यू विंडो क्या होता है, जैसे ये हमने पैराग्राफ जो बना रखा है सेम ऐसे एक और पेज पर चाहिए हमें, जो भी हमारा मैटर रहेगा न्यू विंडो करना हो तो न्यू विंडो पर जाइए और देखिए सेम चीज़ आप देखोगे, इस पर भी वही चीज़ें हैं और इस पर भी यही चीज़ें, यानी जो भी हमने मैटर बना रखा है उसके डुप्लीकेट बना के न्यू विंडो कर देगा। अरेंज ऑल, जितने भी हमने पेजेस ले रखे हैं सबको अरेंज कर देगा, जितना भी हमने खोल रखा है, बाकी बड़ा करके जिस पर आपको काम करना है आप काम कर लो। स्प्लिट, दो टुकड़ों में बट जाएगा पेज, उसमें आप जो भी टाइप करोगे वो दोनों पेजेस पर टाइप होगा, इस तरह से नहीं चाहिए आपको तो रिमूव कर दीजिए। जितना हमने पेज ले रखा है सबको अलग अलग साइड से खोलना हो तो आप खोल सकते हैं। स्विच विंडो भी वही चीज़ होती है और यहाँ से हम स्विच विंडो करके पेज को खोल सकते हैं। माइक्रोस के लिए मैं एक अलग से नया वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह दोस्तों हमने एमएस वर्ड को कंप्लीट किया है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।